नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से ज्योग्राफी के इस क्लास में यूपीपीएससी फाउंडेशन हेतु बहुत जोरदार स्वागत करता हूं। अभी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्लास से पहले ही मैं आपको बता दूँ, आपकी जो UPPCS का जो प्रारंभिक परीक्षा है 2021 वाला, वो आपका मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में हो जाना है। तो हमें युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा बीच में आप थोड़ा ढीले हो गए हैं, टीम की तरफ से भी थोड़ी ढिलाई हुई है, लेकिन ये टीम फिर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में, बहुत ही अब कॉन्टिन्यूड वे में कोशिश करेगी कि दिन प्रतिदिन आपको रोजाना एक वीडियो दिया जाए। और आप लोग जहां भी व्यस्त हो अपनी व्यस्तता समाप्त करो और केवल अपना जो ध्येय है एक तरफ अपने सपने को साकार करने के लिए फोकस हो जाओ। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत अच्छे से लड़नी है, बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीति से और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करते हुए। फाउंडेशन बैच का मतलब यही है कि हम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें, अपना प्रे निकालें, ताकि हमें मेंस में दिक्कत आए ही ना आए। कितना अच्छा होगा आप खुद सोचो कि आपका पहले ही प्रयास में अगर आप अधिकारी बन जाते हो। और ये सपना बहुत लोगों का रहता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो परीक्षा प्लस परिवार से जुड़े हो। ये हमारा भी सौभाग्य है और आप अपना भी सौभाग्य समझो कि टीम इतनी मेहनत आपके साथ करती है और आप भी मेहनत बहुत अच्छे से करो। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने 3 क्लासेस ज्योग्राफी की कर ली है। उसमें हमने ये देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने जो उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री था ये भी देखा कि कौन से एरा आए, कौन से इयोन आए, कौन से इपक आए, कौन से युग, महाकल्प, कल्प, सारी चीज़ें हमने देखा। सारे युगों को बहुत अच्छी से भली भांति समझा और किसमें क्या चेंजेज है उन सभी चीज़ों को समझ के अब हम इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम फोकस्ड बनाएंगे और यहाँ से आपके प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लास का जो मॉड्यूल है अभी आपका फाउंडेशन क्रिएट किया जा रहा है। थोड़ा बहुत देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के परिप्रेक्ष्य में उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम आज के स्तर को देखें तो UPPCS दिन प्रतिदिन कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ रहा है और ज्योग्राफी का रोल ज़्यादा हो रहा है। कारण है FO का एग्जाम इसमें इंक्लूड करना। तो हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही गंभीरता के साथ लेके चलेंगे, अन्य सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे, सब्जेक्ट बराबर लेके चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का रोल प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा हो रहा है। इस बात को हमें अपने मैच्योरिटी पे समझना चाहिए। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी इस क्लास में, हम लोग ये देखेंगे कि जो महाद्वीप है, जो महासागर है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न जो भूगोल वेत्ता थे उनकी हाइपोथेसिस क्या रही है, उनका क्या रोल रहा है, उनकी क्या थ्योरीज रही हैं ये डेवलप करने में, ये बताने में कि कैसे हमारे जो महाद्वीपों का विस्तार है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स कहे जाते हैं, हमारे ओशन से जो महासागर हैं, ये अलग अलग कैसे इनकी इतनी विभिन्नता है। शुरू से ही जब से इस फील्ड में प्रयास शुरू हुआ, और सही बात कहें तो अगर 1559 की बात कर लें, 1596 से जो पहली बार आया, 1596 में ही बहुत सारे ऐसे मानचित्र वेत्ता जो थे जो मैप को देख के बहुत सारी एनालिसिस निकालने लगे, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आने लगी, बहुत ज़्यादा प्रश्न आने लगे कि आखिर ये जो विभिन्न रिलीफ हैं, जो विभिन्न ये उच्चावच हैं, ये सब क्यों हैं, क्यों अपने इस स्थान पे हैं, ये पर्वत क्यों हैं, पठार क्यों हैं, नदियाँ क्यों हैं, महासागर क्यों हैं, और अगर बने तो कैसे बने। डिफरेंट टाइप के उनके दिमाग में क्वेश्चन उठने लगे और उन पे वो अपना शोध करने लगे। तो उन्हीं शोध के बारे में हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन कौन सी थ्योरी है और कौन सी फाइनल थ्योरी आज जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप एक बार वर्ल्ड मैप देख लो जो आपके बैकग्राउंड में मैं पहले से लगा के रखा हूँ, और ये वर्ल्ड मैप आपको यही बता रहा है कि अगर आप इसको एक ग्लोब समझो जो कि मैं मैप के फॉर्म में रखा हूँ, विभिन्न हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट की परिभाषा, कॉन्टिनेंट क्या कहलाते हैं, ये सब हम जब प्रादेशिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डीप में जाएंगे। अभी मैं आपको बेस समझा रहा हूँ। इतना आप समझो कि कॉन्टिनेंट हैं और हमारे 7 महाद्वीप जो प्रमुख हैं, है ना, एक 8वां भी हमारा जीलैंडिया आ रहा है, जो हमारे बहुत सारे भूगोल वेत्ता इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी महाद्वीप है।
तो हम यहाँ पर भी सात प्रमुख महाद्वीप की बात करेंगे, जैसे हमारा हमारा दक्षिणी अमेरिका है, हमारा अफ्रीका है, हमारा उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, और एक हमारा अंटार्कटिका है। तो ये जो हमारे सात महाद्वीप हैं, इनकी अगर स्थिति देखें कि कहाँ पे इनकी पोजीशन है, जो पोजीशन अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें या दक्षिणी अमेरिका की बात करें, क्या ये पोजीशन ऐसे ही रही होगी शुरू से? क्या पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ पृथ्वी ठंडी हुई तो क्या इसी रूप में ठंडी हो गई, ऐसे ही हो गए? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा रहा होगा? ये बात भी हमें खुद से भी पूछना चाहिए। कई बार हम शब्दों को सुनते हैं, इतना तो हर बच्चा सुन लेता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सब लोग इतना सुनते हैं, गोंडवाना लैंड सब लोग सुनते हैं, तो गोंडवाना लैंड क्या था आखिर, आखिर कैसे गोंडवाना लैंड टूटा, आखिर कैसे लॉरेंसिया टूटा, कैसे अंगारा लैंड, लॉरेंसिया अंगारा लैंड एक ही चीज़ें टूटा, कैसे हमारे विभिन्न विभिन्न कॉन्टिनेंट, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। बेसिक आपका ये समझना चाहिए, ये आपका अफ्रीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार आपको दिमाग में चलता रहेगा कि ये जानना जरूरी है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये आपका इतना पोर्शन, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप कहलाया जाता है, ये आपका, ये पूरा इसी में आता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका और ये आपका उत्तरी अमेरिका कहलाता है। तो ये जो बेसिकली आपके सात कॉन्टिनेंट है, हमें इसके ही जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ना है। तो हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत ही महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये हमारी पर्टिकुलर टॉपिक है और इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि हमारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए, हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कि आज जो स्थिति है इस पे बोला जाता है ज्योग्राफी में प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, है ना, जो हमारा वर्तमान है वही हमारे भूत की कुंजी है। इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, आप ऐसे समझिए आज के समय में, या आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो खोज करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इतिहास में भूतकाल में कैसे हमारी पृथ्वी रही होगी, कैसे हमारी सभ्यता रही होगी, कैसे हमारी परंपरा रही होगी, कैसे लोग रहे होंगे। तो आज वो पाते हैं कि आज वो कोई ओमन पाते हैं, आज वो कोई लक्षण पाते हैं, कुछ ऐसी वस्तु पाते हैं जिसके बिहाव पे वो अपने भूत को खोज रहे होते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है। तो कहने का मतलब अभी हम देखें तो जो हमारे भूगोल वेत्ता थे, हमारे भूगोल वेत्ता का मेनली जो कंसंट्रेशन था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे माउंटेन्स, जो हमारे पर्वत हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या खटक रहा था, माउंटेन्स और ओशन, क्यों, जो चीज़ें सबसे बड़ी होती हैं वही तो सबसे ज़्यादा दिखती हैं, और माउंटेन्स में भी सब अगर देखा तो कॉन्टिनेंट और ओशन दो मेन फैक्टर, और इसलिए इन्हें बोला था रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट डिग्री, मतलब कि जब सबसे पहले जिस पे निगाह जा रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा कॉन्टिनेंट्स है और ओशन है, यानी महाद्वीप हैं और हमारे क्या हैं, महासागर हैं, जिन्हें हम फर्स्ट डिग्री का रिलीफ बोलते हैं, और यहीं से हमारी खोज शुरू हुई। फिर हमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे हमें क्या दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहे हैं, सागर दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, इनके बारे में सोचना चालू होता है, इनके बारे में भूगोल वेत्ता अपनी थीसिस रखना शुरू करते हैं, अपना फिलोसफी रखना शुरू करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस रखना शुरू करते हैं। तो उन्होंने पाया, इस खोज में पाया कि अगर पृथ्वी को संपूर्ण देखा जाए तो उस पर जो 70.8% है, पूरे पृथ्वी को ले लिया जाए, मैं ग्लोब यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर इस पूरे पृथ्वी को देख लिया जाए तो इसमें 70% भाग क्या है, 70% भाग पानी से घिरा हुआ है, 70.8, और हमारा 29.2% है ये हमारा क्या है, इस पर स्थल है, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर पानी का भाग बहुत ज़्यादा है, 70.71% है। तो इतना पानी कहाँ से आया, इनका विस्तार कैसे हुआ, जो हमारे लैंड मास हैं, जो हमारे स्थल हैं, इतने छोटे क्यों हैं, इतने कम क्यों हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने छोटे स्थल पे, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे देखेंगे जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके इफेक्ट क्या है,
ये सब चीज़ें हमें इसी के बिहाफ पे समझना होगा। हालांकि अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम फिजिकल पढ़ रहे हैं, और फिजिकल में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो दोनों गोलार्धों में एक खास चीज़ देखा गया कि जो महाद्वीप है और महासागर है, इनका वितरण समान नहीं है। वितरण समान नहीं है, इसका कहने का मतलब आप इस चीज़ को अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप ग्लोब देखोगे। ग्लोब आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, हाँ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इस ग्लोब को, तो यहाँ पे आपका कहीं पे केवल, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, केवल पे कहीं पे कहीं पूरा महासागर ही महासागर है, पानी ही पानी है। कहीं हमारा कुछ भूमि यहाँ दिखती है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ फैला हुआ है, फिलीपींस यहाँ फैला हुआ है, जापान यहाँ फैला हुआ है, हमारा भारत यहाँ है पूरा, हमारा जो रूस है यूरोप है इधर फैला हुआ है, अफ्रीका हमारा यहाँ फैला हुआ है। कहीं पे पानी, कहीं पे जमीन, कहीं पे महासागर, कहीं पे महाद्वीप, इनका जो वितरण है ये समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह केवल हमारे जमीन जमीन हो जाएं और एक जगह हमारे महासागर सागर हो जाएं। तो ये जो असमानता है, ये जो इतने छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये जो आर्क्स के रूप में आइलैंड है, आर्क मतलब चाप के आकार का, आप जैसे फिलीपींस वाला पार्ट देखोगे, जापान वाला पार्ट देखोगे, तो वो आर्क ही देखो चाप के आकार का आपको दिख रहा है। तो ये चाप के आकार के क्यों है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, लेकिन शुरू में इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ऐसे फोकस्ड हो जाएं। आज तो देखो टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा है कि हम 3D ग्लोब भी आपको बहुत ही इंटरेक्टिव वे में यहाँ पे समझा सकते हैं कैसे भी। पहले तो हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ता था, एक फिजिकल वाला भारी सा होता था, जितने भारी हम नहीं है पता लगे, हमारा वेट है 60 किलो और हम 80 किलो का ग्लोब ही उठा रहे हैं, उठा ही नहीं पाते थे, पढ़ाने में इतनी दिक्कत होती थी। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि पूरी सेटेलाइट इमेज क्रिएट हो जा रही है, पूरा ग्लोब क्रिएट हो जा रहा है, सब कुछ पता चल जा रहा है कि कैसे तूफान कहाँ पे उठ रहे हैं, कहाँ पे हमारी धाराएं कैसे गर्म बह रही है, किधर बह रही हैं, ठंडी धाराएं कैसे बह रही हैं, सब कुछ पता चल जा रहा है, सब कुछ। आज एविएशन की टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गई है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं। तो आज के समय में तो चीजें बहुत कुछ आसान हो चुकी हैं, लेकिन उस समय सोचिए जो पहली बार जो इस चीज की हाइपोथेसिस रख रहे थे, जिनके पास कहने को केवल एक मैप था, और वो मैप भी अप टू मार्जिन नहीं था, अप टू स्केल नहीं था। तो उनके पास केवल और केवल क्या हो सकती थी, इमेजिनेशन हो सकती थी, केवल और केवल क्या हो सकती थी, परिकल्पना हो सकती थी, हाइपोथेसिस हो सकती थी, और उसके आधार पर उन्होंने जो बताया वो भी कम नहीं था। तो इसीलिए जिसका पहला प्रयास, तो आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आज तो हमारे पास ऐसा देखिए पानी के लिए टोटी खोलते हैं, इतना मॉड्यूलर टोटियां आती हैं कि उस पर इतनी टेक्नोलॉजी, हाथ लगाए पानी गिरना शुरू हो गया, कितना टेक्नोलॉजी आगे हो गया है। आदमी आता है तो एकदम सिस्टम से पानी आने लगता है, वाशरूम में आप देखते होगे, चीज़ों में आप सिनेमा हॉल में जाते होगे या किसी मॉल में जाते होगे, वहां पे टेक्नोलॉजी आप देखते होगे, घरों में नहीं लगा होगा फिर भी अलग देखते होगे। तब आप ऐसे समझो उस एग्जांपल से, जिसने सबसे पहले नल की खोज की, वो हैंडपंप होता था ना, हैंडपंप, इधर हम हैंड मारते थे तो पानी निकलता था ऊपर नीचे, सरकारी नल आपके गांव में लगा रहता होगा, खूब बच्चे रहोगे तो उस पर पकड़ लटकते रहे होगे, खूब पानी से खेलते होगे। तो जिसने सबसे पहले नल की खोज की होगी, नल के बारे में सोचा होगा, वो कितना दिमागी रहा होगा। उसके आधार पर तो लोग टेक्नोलॉजी बनाते चले जाते हैं। कंप्यूटर की खोज सबसे पहले जो किसने की होगी कि बताओ, वैक्यूम ट्यूब के बल पे कुछ नहीं होता था, उसमें फिर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, इलेक्ट्रॉन से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, इलेक्ट्रॉन मशीन होती थी। तो जो पहली बात सोचा, आज तो इतना है कि आप फोन में एकदम टच सब चला रहे हो, इंटरेक्टिव पैनल आ गया है, आप सब टच में सब घुमा रहे हो, तो आज टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन उनके लिए चीजें बहुत कठिन थी। तो उस समय की बात करते हैं, तो वहां पे उन्होंने ये देखा कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये समान नहीं है, और ये उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप की। कुछ बातें और, जैसे उन्होंने ये देखा कि महाद्वीपों का महासागरों के वितरण में जितनी भी चीज़ें असमानताएं ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो इनका एक आधार बनाया, एक बेस बनाया कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया, और फिर जितने भी भूगोल वेत्ता थे, ऐसा नहीं थे आप अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुनोगे, आप एफबी टेलर का नाम सुनोगे, आप लोथियन ग्रीन का नाम सुनोगे, और भी बहुत सारे नाम जो कॉमन नहीं है, लव जी हुए, हमारे सिस जी स्विस हुए, ये बहुत सारे ऐसे हमारे भूगोल वेत्ता हुए जो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी देखे गए। हालांकि हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारे लिए काम के बहुत ज़्यादा, हमें यहाँ जियोलॉजिस्ट तो नहीं बनना है, जो भूगोल वेत्ता हमें नहीं बनना है, हमें तो बस एक अधिकारी बनना है। तो कुछ पर्टिकुलर लोगों का, जैसे वेगनर का हुआ है ना, या हमारा टेलर का हुआ, या हमारा
लोथियन ग्रीन का हुआ, इनका पढ़ना हमारा ज़्यादा जरूरी है, तो इन लोग को हम आज अच्छे से कवर करेंगे और अंत में प्लेट टेक्टोनिक भी अच्छे से कवर करेंगे। तो इन्होंने जो मेन कंसंट्रेटेड पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सोचना शुरू किया, इन लोगों को इन्हें एक पॉइंट बनाया कि आखिर हमें डिस्कशन करना चाहिए तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, क्या पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, और वो आया कहाँ से, वो ऑब्जर्वेशन से। क्या ऑब्जर्व किए, मैप ऑब्जर्व किए। कौन सा मैप ऑब्जर्व किए, विश्व का मैप ऑब्जर्व किए। बात समझ में आई, कौन सा मैप, विश्व का मैप उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक, तो अभी देखते हैं इन्होंने ऑब्जर्व करके पाया क्या। ऑब्जर्व करके पाया कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है उसकी प्रमुखता कितना है, 75% से ज्यादा भूमि केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध है। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर अगर ये आपका वर्ल्ड मैप है और यहां पे मैं इसे इक्वेटर मान के एक लाइन खींच दूं, इक्वेटर मान के एक लाइन खींच दूं, ये हमारा इक्वेटर, एक लाइन खींच दूं, तो जितनी भी भूमि है मैक्सिमम वो इस इक्वेटर के ऊपर है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है ना। उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब आप इसे और अच्छे से ऐसे समझो कि ये आप देख पा रहे हो ये आपका बीच में इक्वेटर गया हुआ है, बीच में आपका इक्वेटर गया हुआ है ना, ये आपका इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर गया हुआ है, भूमध्य रेखा गई हुई है। अभी इसके इर्द गिर्द इसके ऊपर ही सारे लैंड मास कितने हैं, 75% है। जैसे आप चीजों को समझने की कोशिश करो तो ये देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी लैंड मास हैं वो क्या है, ऊपर ही दिख रहे हैं, नीचे आपको केवल पानी पानी दिख रहा है, नीचे केवल पानी पानी दिख रहा है। अगर आप ऐसे समझो कि ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे ऊपर जाके ग्लोब होता है, ग्लोब के ऊपर से झांकोगे, तो मैंने उत्तरी ध्रुव को ऊपर ले आया और ऐसे झांकोगे तो आपको मैक्सिमम चीजें क्या दिख रही है, मैक्सिमम जमीन जमीन दिख रही है। इसी का उल्टा अगर आप यहाँ पे साउदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव को के नीचे से, ग्लोब के नीचे से आप जाके देख रहे हो तो आपको सब कुछ पानी पानी दिखेगा। तो कहने का मतलब कि जो उत्तरी ध्रुव है हमारा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस चीज को ऐसे समझते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, हाँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहां पे जो लैंड मास है ये 75% है और 25% ही केवल हमारे कहां है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। जबकि पानी देखा जाए तो पानी की अधिकता हमारी कहां पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सारी बातें हमारे भूगोल वेताओं के दिमाग में हमेशा से खटकती रही है। और चीजें हम देख लेते हैं भाई, और चीजें देख लेते हैं कि क्या रहा है। फिर इन्होंने और भी क्या हाइपोथेसिस लाई कि उत्तरी गोलार्ध की जो भूमि में एवं दक्षिणी गोलार्ध का समुद्री जल से घिरा होना, मतलब आप फिर से अगर ग्लोब को ऑब्जर्व करो तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका उत्तरी ध्रुव है। आप उत्तरी ध्रुव को देखो तो ये जमीन से पूरा घिरा हुआ है, वही मैं बात कर रहा हूँ, 75% है। और अगर आप दक्षिणी ध्रुव की बात करो तो ये किससे घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है। ये इनके दिमाग में चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। कुछ और बातें चल रही थी कि जो अधिकतर महाद्वीप हैं वो त्रिभुज के आकार है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप इस चीज को समझो कि इसका मतलब क्या हुआ, ये आप इसे अच्छे से समझो, अगर इसे समझो तो ये मैप आपको दिख रहा है। मैप उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमारे महाद्वीप है वो हमारे त्रिभुज के आकार के। त्रिभुज के आकार के कहने का मतलब ये कि अभी आप अगर अफ्रीका को देखो तो अफ्रीका का जो शेप दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। उन्हें भी दिखा, जो चीजें आपको दिख रही है ना ये चीजें उन्हें भी दिखी। और जब कोई चीज दिखी तभी तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि मैं किसी भी कॉन्टिनेंट को देखूं तो ये लमसम कैसा दिख रहा है, त्रिभुज के हिसाब से दिख रहा है। आप इसे देखो तो ये भी हमारा क्या है, एक त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। ग्रीनलैंड को देखो तो त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, यूरोप को देखो तो त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, एशिया को भी देखो तो हमारे त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। कुछ हमारे केवल एक्सेप्शन रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हालांकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसे भी संज्ञा बाद में मिली, लेकिन उन्होंने जो जनरल ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने देखा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है वो किस आकार के हैं, त्रिभुज के आकार के। अब कोई चीज भाई आपके दिमाग में थॉट्स कैसे आते हैं, थॉट्स से थॉट्स रिलेट होते चले जाते हैं। आप रात में जब आप बिस्तर पर जाते हो, जब आप नींद आने से जस्ट पहले आपके साथ फेस क्या होता है भाई, दिमाग में एक कोई ख्याल आता है उसे सोचना चालू करते हो, वहां से दो थॉट्स और आते हैं, फिर आप वहां से सोचना चालू करते हो, उस कड़ी से जुड़ने दूसरी होती है वो सोचना चालू करते हो। ऐसे से आप सोच पहले जब आप सोचो कि कहां से सोचना शुरू किए थे और सोचते सोचते कहां पहुंच गए, तो फिर एक पूरा लिंक जुड़ा होता है। वही इनके साथ भी हुआ कि अगर इन्हें दिख गया कि हमारे महाद्वीप त्रिभुज के आकार के हैं तो उनकी जो थ्योरी भी हुई वो उसी अकॉर्डिंग चल पड़े, उन्हें महाद्वीप
त्रिभुज के आकार का दिख गया तो उन्हें पूरी पृथ्वी ही त्रिभुज के आकार की दिखने लगी। और ये बात अभी हम समझाएंगे कि किससे दिखने लगी और कैसे दिखने लगी। उससे पहले जो और भूगोलविद थे उन्होंने और भी ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि महाद्वीप तो ठीक है मेरे भाई, हमारे महासागर भी त्रिभुज के आकार के हैं। वो लोग कैसे बोले कि ये देखो, ये अगर हमारा इंडियन ओशन है तो इंडियन ओशन हमारा कहाँ पे है, उल्टा त्रिभुज के आकार का है। महाद्वीप ये हमारा त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज हमारे महाद्वीप हैं और सीधा त्रिभुज हमारा महासागर है। यहाँ पे देखो तो इसका जो बेस है वो अंटार्कटिका की तरफ, साउथ पोल की तरफ है, और जो इसका एपेक्स है, पॉइंट है, वो बे ऑफ बंगाल और अरबिया सी में जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने देखा कि अगर हम साउथ अटलांटिक ओशन को देखें, साउथ अटलांटिक ओशन को देखें तो यहाँ पे भी हमें त्रिभुज दिख रहा है सीधा, जिसका बेस हमारा साउदर्न पोल की तरफ है, अंटार्कटिका की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, और जो एपेक्स है हमारा वो हमारा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। कहाँ पे? गुनिया के पास में। यहाँ पे कहाँ से? ब्राजील के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा मार्टिनिया, माली, गिनिया, घाना, ये जो हमारे देश है, यहाँ पे इनका एपेक्स जा रहा है और हमारा जो बेस जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? साउदर्न पोल पे जा रहा है। उन्होंने और भी देखा हर जगह सिवाय किसके? पैसिफिक ओशन के। ये हमारा प्रशांत महासागर, इसके इधर और इसके इधर। उन्हें यहाँ पे केवल क्या दिखा? अपवाद दिखा, यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा। बाकी वो किसी भी महासागर को देखे तो उन्हें किस तरीके का दिखा? त्रिभुज के आकार का दिखा। ध्यान रखिएगा, महाद्वीप उल्टा त्रिभुज के आकार का, जिसका एपेक्स जो है वो किसके साइड में है? साउथ के साइड में है, और बेस उत्तरी ध्रुव के साइड में है। हमारे महासागर जिसका बेस हमारा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के साइड में है, और जो हमारा एपेक्स है वो किसके साइड में है? उत्तरी ध्रुव के साइड में। तो ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन थी जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे। ये आपको समझना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही और भी क्या चीज थी? इसके साथ ही उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ कॉमन सी बहुत बड़ी बात क्या देख ली? बड़ी बात ये देख ली कि जो ये हमारे महाद्वीप और महासागर हैं वो प्रतिलोम अवस्था में है, मतलब एंटीपोडल सिचुएशन। एंटीपोडल सिचुएशन क्या होती है? अगर आप पृथ्वी, यहाँ पे आप, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, आप समझो एंटीपोडल क्या होता है। अगर ये आपके पृथ्वी है ना, यहाँ पे आपका कहीं भारत है, यहाँ पे भारत है। अब अगर यहाँ पे भारत है और यहाँ पे मैं किसी बिंदु को लूँ, उस बिंदु से मैं एक ऐसी रेखा खींचूँ कि वो रेखा कहाँ से आके पृथ्वी के केंद्र से होके दूसरी तरफ चली जाए, ग्लोब है हमारा, एक जगह से करूँ और वो केंद्र से होके, पृथ्वी के केंद्र से होके दूसरी साइड में जाए। तो उन्होंने देखा, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देखा, आप यहाँ पे देखो, कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर मैं इसे अमेरिका की बात करूं, दक्षिण अमेरिका, और मैं एक ऐसी यहाँ बिंदु लूं जो मुझे पृथ्वी के केंद्र से होके गुजारनी है, और अगर मैं उसके उस साइड देखूं, उसके पीछे जाऊं, तो क्या मिलेगा? मुझे समुद्र मिलेगा, पानी मिलेगा। कहीं भी देखें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लिया, और ऑस्ट्रेलिया से अगर ये बिंदु ले रहे हो तो उस लाइन को आप कुछ ऐसा सेलेक्ट करोगे, कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ से अगर लेते हो, केंद्र से होते हुए दूसरी तरफ जाए, तो दूसरी तरफ अगर घुमाओ तो क्या मिलेगा आपको? फिर से पानी मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने कोई भी ऐसा ले लिया, कहीं भी ऐसा पोजीशन किए कि उन्हें क्या मिला? एंटीपोडल पोजीशन पे। अगर इधर महासागर है, आप ऐसे देखो, अगर इधर महाद्वीप है तो इधर क्या मिलेगा? महासागर मिलेगा। अगर यहां पे महाद्वीप है तो इधर क्या मिलेगा? महासागर मिलेगा। ऐसे आइएगा आप, है ना। अगर यहां महाद्वीप है तो यहां पे क्या मिलेगा? महासागर मिलेगा। अगर यहां पे महाद्वीप है तो यहां पे क्या मिलेगा? महासागर मिलेगा, सिवाय कुछ जगहों के। इसमें भी अपवाद तो हर जगह, जब हाइपोथेसिस आएगी तो अपवाद आएगा। अपवाद ऐसा आएगा कि उन्होंने देखा कि केवल 1.4% लैंड मास ऐसे हैं जिनके एंटीपोडल पोजीशन पे, प्रतिलोम अवस्था में अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंट के पीछे कॉन्टिनेंट मिला या पानी के पीछे पानी मिला। 44% लगभग पानी के पीछे पानी, जैसे आप प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र देख लो, या अगर आप क्या देखो, आप चाइना वाला पार्ट देखो और इसका अगर एंटीपोडल करो तो इसका एंटीपोडल यहाँ पे आपका कहीं आएगा। बात समझ में आ रही है?
यहाँ पे आपका कहीं पे आएगा तो यहाँ पे देखें कि कुछ केवल अपवाद था, तो अपवाद हर जगह होता है, इसका भी डिस्कशन आगे चल के करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे पृथ्वी पे प्रशांत महासागर को देखा जाए तो एक तिहाई हिस्सा केवल कौन कवर कर रहा है, प्रशांत महासागर कवर कर रहा है। तो ये जनरल सी चीजें इनके दिमाग में आनी शुरू हुई जिसके आधार पर लोगों ने हाइपोथेसिस दिया, जिनके आधार पर लोगों ने थ्योरी दिया। तो हम उस थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर अलग अलग भूगोल वेत्ता ने बोला क्या। बात समझ में आ रही, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी आना शुरू हुई, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी आई, महाद्वीपीय प्रवाह की थ्योरी आई, महाद्वीपीय विस्तार की थ्योरी आई, और यही नहीं इससे पहले ही आ गई कब 1875 में लगभग एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता जिन्होंने सोचना सबसे पहले चालू किया, कौन थे, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर देने वाले या टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस देने वाले लोथियन ग्रीन। कौन थे? लोथियन ग्रीन महोदय थे। अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी इन्होंने दी है और जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, बड़ा वो होता है, मुख्य वो होता है जो सबसे पहली बात सोचना। एक बार किसी ने बेस रख दिया तो उस पर मंजिलें तो खड़ी होती हैं, जो बुनियाद होती है ना वो जरूरी होती है। तो बुनियाद किसने रखा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के चक्कर में कौन रखा था? लोथियन ग्रीन ने रखा था, 1875 में रखा था, डिस्कस करेंगे। और भी बहुत लगा, उससे पहले भी 1596 में ही अब्राहम एटेलियस नाम के एक हमारे मानचित्रवेत्ता थे, है ना, जो हमारे मैप देखते थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अटलांटिक महासागर आप ऐसे समझो, अटलांटिक महासागर कहां है आपको इतना तो पता होना चाहिए। एक बात खास अब जरूर करना, अब से जो चलेगा साथ में हमें मैप भी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो फाउंडेशन आप कर रहे हो, फाउंडेशन में अगर ये सोचो बिना मैप के मेरा काम बन जाएगा तो नहीं बनेगा। ज्योग्राफी है, बिना मैप के पढ़ोगे जिंदगी में कभी नहीं आएगी। मैप साथ में रखो, थोड़ा समय जाएगा लेकिन एक बात जो दिमाग में जाएगा वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं जाएगा दिमाग से। इस फिलॉसफी पे आपको भी चलना है। तो ये हमारा महासागरों की बात कर ले रहे हैं कि हमारे प्रमुख महासागर कहाँ कहाँ हैं। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, इस वाले पार्ट को साउथ अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये इस वाले पार्ट को काले से करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे दिखे। ये आपका साउथ अटलांटिक महासागर पार्ट है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है, ये ऊपर पूरा आपका आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। ये अगर आप देखें इसके इधर और जस्ट ये पृथ्वी का ऐसे फोल्ड करोगे ना मैप को, ग्लोब को, अभी ग्लोब में भी आपको दिखाएंगे, और इसके इधर ये दोनों सिरा जुड़ा हुआ है, ये और ये आपस में फोल्ड करोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अभी जोड़ोगे तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? देखो आपका एलिप्टिकल स्ट्रक्चर ऐसे बन के आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आपका एलिप्टिकल स्ट्रक्चर प्रशांत महासागर का बन के आएगा। ये देखो उधर से आएगा और इधर से मिलेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आपका प्रशांत महासागर, जब आप दोनों को जोड़ लोगे तो ये प्रशांत महासागर और हमारे देश के नाम पे पड़ा हुआ महासागर कौन सा? इंडियन ओशन की स्थिति यहाँ पे। बात समझ में? तो ये बेसिक हमारे महासागरों की स्थिति है, इस बात की बात कर रहे थे। हाँ, क्या बात कर रहे थे, दिमाग से ही स्किप हो गया, देख लेते हैं। तो बात बेसिकली हम ये कर रहे थे कि जो 1596 में ही अब्राहम आर्टेलियस महोदय आए, उन्होंने देखा कि अटलांटिक की बात कर रहे थे, अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पश्चिमी और पूर्वी, ये वाला कौन सा छोर हुआ? पूर्वी। ये वाला कौन सा छोर हुआ? पश्चिमी। आप समझिएगा, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी और पूर्वी छोर, अगर ये सागर हुआ तो ये छोर कौन सा? पूर्व की तरफ जा रहे हो, पूर्व, पश्चिम की तरफ जा रहे हो, पश्चिम। तो पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर पे जो बहुत सारी समानताएं दिखाई पड़ी, समानताएं किस रूप में, अभी आप समझिएगा, समानताएं किस रूप में, इस चीज को आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा दिमाग में इमेज बनाते चलिए। मैं इस पार्ट को यहां से कट करूं और इसे लेके जाऊं यहाँ पे, फिट कर दूं तो फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से फिट हो जाएगा। देखो ये इधर निकला हुआ है और ये इधर धंसा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जाके यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। और ऐसे नहीं, बहुत हर जगह इन्होंने देखा ये वाला पार्ट आके यहाँ पे फिट हो जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला अगर आप देखो, ये वाला पार्ट देखो तो इस वाले पार्ट पे आके फिट हो जा रहा है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे, जब इन्होंने मैप देखा उस पर ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी समानताएं दिखी, और समानताएं केवल स्ट्रक्चर में ही नहीं, समानताएं आगे चल के और भी चीजों में दिखी। लेकिन ये तो हमारे क्या थे, मानचित्रवेत्ता थे, तो केवल मानचित्र देखेंगे, तो मानचित्र में स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में उन्हें वही चीज दिखेगी जो वो देखना चाहेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? तो उन्हें बहुत अटलांटिक महासागर के जब पश्चिमी और पूर्वी दोनों तट को देखे तो बहुत सारी समानताएं दिखी, और ये इन्होंने 1596 में ही देख लिया था, डच के मानचित्रवेत्ता थे। और आगे चल के
वर्ष 1908 में और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता है एफबी टेलर के नाम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एफबी टेलर महोदय कब आए, 1908 में आए, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारा जो महाद्वीप है वो चल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। मतलब कि हमारे जो महाद्वीप थे पहले एक जगह थे, और एक जगह थे तो ये फिर अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। इस कहाँ से ये थॉट आई, थॉट तो बीज तो उन्होंने ही बो दिया था ना, आर्टेलियस महोदय ने ही मैप देख के कि ये फिट हो सकता है। जब फिट होने का ख्याल आया तो इनके दिमाग में हो रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को फिट कर सकते हैं इसका मतलब ये भूतकाल में दूर भी हुआ होगा। तो उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस परिकल्पना प्रतिपादित किया कि शुरू में ये क्या रहे होंगे, एक रहे होंगे, जो किसी फोर्स ने, आगे चल के बात करेंगे, टाइडल फोर्स आया, ज्वारीय बल की इन्होंने बात की, ज्वारीय बल के कारण ये हमारे डिस्प्लेस हो गए है ना। ज्वारीय बल किससे आएगा, पढ़े होंगे हम लोग, सूरज से और चंद्रमा से, सबसे ज्यादा किससे, चंद्रमा से। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास में ज्यादा है। हालांकि सबकी कमियां थी, इस बात को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी ने सोचा बहुत अच्छा है, इस बात को भी अच्छे समझेंगे। तो इन्होंने ये दिया और बोला कि हमारे जो स्थल खंड है उनका क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। और ये पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो महाद्वीप है, वो चल रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो ड्रिफ्ट हो रहा है। और इसी को बोला गया अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या बोला गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले दी थी एफबी टेलर ने। एफबी टेलर ने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, 1908 में दी थी। क्या बोला इसे, महाद्वीपीय प्रवाह बोला, ठीक है ना। और क्या इसके लिए बताया, ज्वारीय शक्ति बताया इसके। अब यहाँ से तो कहानी शुरू हुई थी, अब तो और मजा आने वाला था, अब तो हमें क्ल्यू मिलने लगे थे, अब तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो रही थी। हमारा 1908 में ये पता चला कि महाद्वीप विस्तार हो रहा है, और भूगोलवेत्ता है, और एक महान भूगोलवेत्ता वेगनर साहब आए जिन्होंने 1912 में, थ्योरी तो उन्होंने 1912 में दे दी थी, लेकिन बेचारे बहुत धक्का मुक्की सहे, और बहुत सारे लोग इनको पहले तो फोकस में ही नहीं लाए, ये फालतू बकवास कर रहा है, टेलर महोदय पहले दे दिए तो इनकी थ्योरी करने की जरूरत क्या है। लेकिन इन्होंने कुछ इतना अच्छा दिया था कि वो 1912 के बाद 1922 में एकदम क्रांति ला दिया, और क्रांति इस प्रकार ला दिया कि समझिए कि सभी का सोचने का नजरिया ही बदल गया। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लेकिन इन्होंने जो बोला कि यहाँ पे टाइडल फोर्स लग रहा है, उन्होंने भी बोला टाइडल फोर्स के साथ कुछ और भी फोर्स लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका फोकस था वो फोकस था माउंटेन, इनके दिमाग में जो कीड़ा काट रहा था ना वो पर्वत क्यों है, इनके दिमाग में जो कीड़ा रेंग रहा था वो पर्वत क्यों है और कैसे हैं, इस चीज़ की खोज में। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका की खोज करने निकला और पहुँच गया कहाँ पे, भारत, सुने ना कि नहीं सुने। तो बस ऐसे ही खोज करने निकले माउंटेन का, निकाल दिए कोई और थ्योरी। ठीक ऐसे हमारे वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर महोदय 1912 में भी उन्होंने इन्हीं की थ्योरी पे थोड़ा और वर्क किया, थोड़ा ज़्यादा सा वर्क किया और एक और अच्छी सी थ्योरी दी, और बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट इनमें निकल के है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, सोच बढ़ती चली गई, थ्योरी बढ़ती चली गई, और अंत में सागर नित्तल प्रसरण को एक ऐसा फोर्स माना गया जो इस सब का काज था। सभी लोग मान लिए हाँ ठीक है हमारा विस्तार हो रहा है। अच्छा मानते भी कैसे नहीं भाई, देख लिए कि हमारा जो मैप हो रहा है वो फिट हो पा रहा है, बहुत सारे फॉसिल्स भी हमें एक जैसे दिखे, अलग अलग पता लगे, जो अमेरिका में हमें कोई जीवाश्म मिल रहा है वो भारत के किसी जीवाश्म से मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कभी ना कभी एक रहे होंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि क्या क्या आया, और बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा मानने वाले थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा इस समय सही जो वैल्यू रखती है, वैलिड थ्योरी है, वो क्या है, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किसके बेसिस पे है, सागर नित्तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम पे, हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक लोगों की थ्योरी देखना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। हालांकि ये पॉइंट आपका अगर देखो तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ऐसा मत समझो कि मेंस की तैयारी कर लो, क्योंकि ये फाउंडेशन है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका विस्तार कैसा हुआ है। क्योंकि जब तक आप महाद्वीप का विस्तार नहीं समझो,
समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आखिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर चीज़ें चल कैसे रही हैं, जब तक आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं समझोगे, आगे चल के आपको वोल्केनो समझने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको अर्थक्वेक समझने में बहुत दिक्कत आएगी, प्लेट टेक्टोनिक नहीं जानोगे। तो आगे चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमें यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो बस इसी को लेके हम पढ़ते हैं, और सबसे पहले टेट्राहेड्रल या चतुर्पार्श्वीय परिकल्पना। टेट्राहेड्रॉन को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। चार समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये कुछ ऐसे 3D शेप में होता है कि इसके चार एपेक्स होते हैं और चार साइड होती हैं। तीन फेस आपको ये दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा? ऐसे दिख रहा होगा, ठीक। ये आपको कुछ 3D में दिख रहा होगा, अभी मैं सब बहुत अच्छे से चीज़ें को समझाऊंगा, परेशान मत हो, आपको बस ये 3D लुक दिखना है। तो ये बीच में उठा हुआ है और हर तरफ आपका ये है। तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने, कौन थे ये? लोथियन ग्रीन महोदय थे। कौन थे? लोथियन ग्रीन महोदय थे, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और सबसे पहले इन्होंने दिया, कब दिया? 1875 में ही दिया, जब पूरा विश्व किसमें लगा हुआ था? 1857 सोचो, भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। 1875 में ये किस पे काम कर रहे थे? ये पृथ्वी के उत्पत्ति, पृथ्वी के महासागरों की उत्पत्ति पे काम कर रहे थे। जब एक विश्व रिवॉल्यूशन में लगा हुआ था, एक पूरा विश्व कॉलोनाइजेशन में लगा हुआ था, है ना, तब हमारे भूगोलवेत्ता सारी दुनिया की लड़ाई छोड़ के अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको भी ऐसे करना है, दुनिया लड़े कटे मरे जले, आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, तभी तो इनका नाम इत्तेहाद किया जा रहा है, समझ, तभी तो इन्हें महान बोला है। इन्हें महान थोड़ी बोला, इन्हें महान बोला जा रहा है, असली महान तो ये लोग हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी जो बेसिक जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी है वो चतुष्फलक के आकार की है, और बोले कि जो चतुष्फलक है यानी टेट्राहेड्रॉन है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अगर हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो निकालें, मतलब अगर हम उसका आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष में देखें तो सबसे न्यूनतम होता है। अच्छा, इन्होंने ऐसा कहा क्यों? इनके दिमाग में ये आया कि पृथ्वी, ये तो सभी लोग समझ गए थे कि जो पृथ्वी हुई पहले गोल गोल गैस थी, है ना, गोलाकार की और गैस का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई संकुचित हुई, कंप्रेस्ड हुई, तो उसका साइज भी छोटा होता चला गया और पृथ्वी ठंडी भी होती चली गई। तो जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिस समय पृथ्वी में संकुचन हो रहा था, उसी समय कुछ प्रेशर के कारण, जो एटमॉस्फेरिक फोर्स के कारण, कुछ और भी बाहरी बल के कारण, हमारे पृथ्वी में जो कूलिंग और जो संकुचन एक साथ हो रहा था, तो जैसे जैसे पृथ्वी संकुचित हो रही थी वैसे वैसे हमारी वो ठंडी भी हो रही थी। और एक स्टेज ऐसा आया कि जो हमारा, समझिएगा, लोगों ने क्या बोला था, लोगों ने ये बोला था कि जो हमारी पृथ्वी है वो तीन टाइप में बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है? अंदर वाला पार्ट क्रोड है, कोर है, है ना, और उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? अपर मेंटल। अपर मेंटल तो आप लोग पढ़े, है ना, पढ़ाया था मैंने, अपर मेंटल, ये इनर मेंटल, और इसके ऊपर थोड़ा और ऑरेंज वाला पार्ट, चलो इसमें कलर नहीं मिल रहा, मैं यही कलर ले ले रहा हूँ, ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये अपर मेंटल, ये इंटरनल मेंटल, और ये मेंटल सबसे ज़्यादा बड़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट था वो क्या था? वो हमारा क्रस्ट था। क्या था वो? हमारा क्रस्ट था। तो क्रस्ट को मैं इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा क्रस्ट था, भूपरपटी। तो इन्होंने बोला कि जब पृथ्वी हमारी संकुचित हो रही थी, जब ठंडी हो रही थी, तो ये जो ये क्रस्ट वाला पार्ट था ये ठंडा होकर ठोस हो गया, ठंडा होकर ठोस हो गया, और ये ठोस हो गया तो अंदर वाला पार्ट अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन ऊपर वाला पार्ट ठोस हो गया। अब आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि कोई एकदम गर्म गोला है और उसे ठंडा कर रहे हो, और ऊपर की लेयर अगर ठोस हो गई तो उसमें बॉन्डिंग बन जाएगी, वो ठोस हो जाएगी, और अंदर वाला पार्ट लिक्विड रहेगा, तो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा। अब क्या होगा? एक फेज ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? ऊपर की परपटी ऐसे ही रह गई और बीच वाला पार्ट अभी नहीं हुआ था, बीच वाला पार्ट अभी क्या हुआ था? बीच वाला पार्ट अभी संकुचित नहीं हुआ था। तो अब ये धीरे धीरे संकुचित हो रही है, क्रस्ट अपना यहाँ पे क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, और ये संकुचित हो रहा है, और जैसे जैसे संकुचित हो रहा है इसका आकार छोटा होते
चला जा रहा है। आप देख पा रहे हो इसकी पृथ्वी के अंदर का पार्ट छोटा होता चला जा रहा है और बीच में एक गैप सा बन गया, गैप सा बन गया। तो पृथ्वी ने एक ऐसा आकार लेना चालू किया कि इसका जो आयतन हो वो न्यूनतम हो इसके सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया पे न्यूनतम हो इसके कारण से क्या हो गया, इसके कारण से ये जो हमारा हुआ यहाँ पे इस बैठ गई, क्या हो गई, पृथ्वी बैठ गई यहाँ पे, ऐसे बैठ, समझ में आया, पृथ्वी क्या हो गई, बैठ गई यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक ऐसे यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, पृथ्वी क्या हो गई, ऐसे बैठ गई, ठीक ऐसे यहाँ पे भी हुआ, पृथ्वी ऐसे हमारी क्या हो गई, बैठ गई। तो जो ऐसा कुछ, अब आप समझ पा रहे हो कहीं पे बैठ गई, बैठ जाएगी, जाहिर सी बात है ना भाई कि अगर ऊपर पपड़ी रहेगी नीचे कुछ नहीं रहेगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर दबाव पड़ेगा, तुरंत नीचे हो जाएगी। तो इसने जो शेप लिया वो कुछ शेप आपका कैसे लिया, आपका टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर उसने ले लिया। कौन सा स्ट्रक्चर ले लिया, टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर इसका वॉल्यूम होता है, मैं आपको यहीं पे बता दूं, मैथ वाले स्टूडेंट हो जानते होंगे, ए क्यूब अपॉन अंडर रूट 6√2 ये होता है इसका वॉल्यूम, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल जोड़ दो, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये आपका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसे 3D में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जितना ही मेरा मानना है, जितना ही एनिमेशन से चीज़ें आप समझ जाओगे उतना ही दिमाग में आपकी बैठ जाएगी। तो मॉडल लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो जाने तो थोड़ा तो समय लगेगा ही, है ना। ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप इसे देख पा रहे होगे। तो ये आप इसमें कितनी कितने साइड है, एक आपका त्रिभुज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये है, और जस्ट इसके पीछे भी, इसके पीछे वाला पार्ट ये देखो, ये देखो इसके पीछे वाला पार्ट, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, है कि नहीं है। तो आपके पास कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक दो, ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीसरा और ये तीन, फिर वही आपका वही वाला आ गया, रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, रिपीट हो गया। आप देखो नहीं देख पा रहे हो, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखेगी, आप उसे देखते जाओ, ये देखो ये वाली ब्लैक वाली दिख रही है, तो आपको ये एक दिख रहा है फलक, उसके बाद एक फलक ये दिख रहा है, और वो फलक अभी आपका फिर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आएगा ये तीसरा फलक ये है, और जैसे आप करोगे वो वाली स्ट्रिप फिर आपको दिख गई कि नहीं दिख गई, वही दिख गई। और एक जो चौथा फलक होगा वो कौन सा होगा, ये वाला फलक होगा। तो उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी हमारी है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की है, और वो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा कोनिकल है, इतना कोनिकल नहीं रही होगी, कुछ उसमें कर्व रहा होगा, ठीक है, कुछ कर्व रहा होगा, ऐसा ये हमारा बन गया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, उन्हें समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर, पृथ्वी का स्ट्रक्चर बताया, और उन्होंने बोला कि भाई साहब जो ये हमारी पृथ्वी है ऊपर वाले पार्ट पे क्या है, आर्कटिक ओशन है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऊपर वाला पार्ट जो है आर्कटिक ओशन है, पृथ्वी एक हमारे टेट्राहेड्रॉन के शेप में है जो अपने एपेक्स पे उल्टी रिकी हुई है, ऐसा नहीं ये वाला बेस नीचे मत कर देना, एपेक्स नीचे हो और ऐसे उल्टा त्रिभुज की तरह खड़ी हुई है। और हमारे जो ये हैं यहाँ पे जो सील्स हैं, सील्स आप पढ़ोगे आगे चल के, जो सबसे ठोस कॉन्टिनेंट वाला पार्ट माना गया उन्हें सील्ड बोला गया, ये कनाडियन सील्ड बोला गया, इसे साइबेरियन सील्ड बोला गया, कौन सा, साइबेरियन सील्ड बोला गया, साइबेरियन सील्ड, अगर आपको काले से ना दिख रहा हो तो पीले से दिखाएगा, साइबेरियन, रूस का पार्ट वाला, साइबेरियन सील्ड बोला गया, इसे कनाडियन सील्ड बोला गया, क्या बोला गया, कनाडियन सील्ड बोला गया, ये हमारा अंटार्कटिक सील्ड बोला गया, और ये हमारा पार्ट कौन सा आ गया, यूरोप आ गया। तो उनकी परिकल्पना ये थी कि जो पृथ्वी के तीन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं, और टेट्राहेड्रल में आपके चार एपेक्स हैं, चार आपके फेस हैं, और आपकी कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं इधर, ऐसे ही तीन भुजाएं इधर, यानी कि छह भुजाएं। और अब आप रिलेट करना शुरू करो, जैसे उन्होंने रिलेट किया ऐसे आपको भी करना है। आपके पास महाद्वीप कितने, महाद्वीप सात, उस समय कितने माने थे, छः, तो उन्होंने कितने माने, छः, छः महाद्वीप को कहाँ बिठाए होंगे, छो साइड पे बिठाए होंगे। उनके पास कितने सील्ड थी, तीन, कौन कौन सी थी, कनाडियन सील्ड, साइबेरियन सील्ड, बाल्टिक या यूरोपली सील्ड और अंटार्कटिक सील्ड, चार सील्ड थी, तो कहाँ बैठाए, चारों
कोनों पे बिठाए, और उनके पास कितने महासागर थे? चार। कौन कौन से थे? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन और अटलांटिक महासागर, है ना। चार महासागर थे उनके जो बेस थे, तो उन्होंने बोला कि ये आर्कटिक ओशन है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा इंडियन ओशन है, ये वाला पार्ट हमारा इंडियन ओशन है, ये वाला पार्ट हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। और इन्होंने तीन महासागर को ऐसे रखा, और पीछे वाले पार्ट पे इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर होगा। तो बहुत अच्छा एजम्पशन उन्होंने माना भी, बहुत अच्छा भी माना कि ठीक है आर्कटिक ऊपर हो गया और कॉन्टिनेंट को बिठाए, तो कॉन्टिनेंट को कैसे बिठाए, उन्होंने इसे बोल दिया एक एपेक्स पे क्या है, यूरोप है, और नीचे क्या है आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक है, ये मान लिया ठीक है ना। तो अंटार्कटिक इधर है, यूरोप इधर है, तो यहां पे इस वाले कॉन्टिनेंट पे क्या बता दिया, इस वाले कॉन्टिनेंट पे बता दिया कि इनका क्या है, अफ्रीका है। इस वाले कॉन्टिनेंट पे क्या बता दिया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कनाडा है कि नहीं, अभी मैप में देखोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी इस वाले पे देखे यूरोप, और इधर साइबेरिया बता दिया, तो यूरोप और साइबेरिया उन्होंने इधर बता दिया, यहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बता दिया, और यहाँ पे उन्होंने इंडिया बता दिया। तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में इंडियन ओशन, आपका अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कौन सा, अटलांटिक ओशन, और अमेरिका और हमारे किसके बीच में, यूरोप और साइबेरिया के बीच में कौन सा ओशन, आर्कटिक ओशन। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को रखा। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो हमारे ये सील्ड हैं, कनाडियन सील्ड, साइबेरियन सील्ड और अंटार्कटिक सील्ड, जो महाद्वीप बने इन्हीं से बने हैं, और ये क्योंकि एपेक्स पे हैं, तो इनका जो जो फैले जो हमारे कॉन्टिनेंट, वो इसी कारण से क्योंकि इसके एज पे थे, ये ट्रेंगल के शेप में फैले और उल्टे ट्रेंगल के। हमने क्या बोला था कि सबका कंसंट्रेशन क्या था, कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो उल्टे त्रिभुज के आकार के हैं, और जो हमारे ओशन हैं वो त्रिभुज के आकार के हैं। तो आप देखो ओशन क्या है, त्रिभुज के आकार का है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो उल्टे आकार का है। बात समझ में आ गया। तो उन्होंने इसे बहुत अच्छा फिट करने की कोशिश की, और एक समय तो ऐसा भी लगा कि हाँ, क्योंकि भाई उस समय 3D इमेजिंग नहीं थी, उस समय सैटेलाइट नहीं थी। सोचो कब की बात है, पूरा विश्व भाई कंप्यूटर की खोज ढंग से नहीं हुई थी है, तो सैटेलाइट की खोज कैसे हो जाएगी। बस मशीन गन खोज लिए थे एक दूसरे को भूनने के लिए, बम खोज लिए थे, और वो कौन सा होता था, वो गैस होती थी, पॉइजनस गैस, उस समय जो द्वितीय विश्वयुद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही ज़्यादा यूज हुई थी, है ना। तो लड़ाई काट मार छाट में पड़े हुए थे, चीज़ों में दिमाग नहीं लगा रहे थे, वरना उस समय वहीं पे सॉल्व हो जाता कि किस आकार का है। लेकिन इन्होंने तब भी, लोथिनगिन महोदय ने बहुत अच्छा प्रयास किया 1875 में, और उन्होंने बोला कि टेट्राहेड्रॉन के शेप का है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये एक बार आप देख लो अच्छे से। तो ये टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर का हमारा पृथ्वी उन्होंने माना, और क्या माना कि ये हमारा एपेक्स नीचे है और हमारा आर्कटिक ओशन ऊपर है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से ऐसे समझोगे कि ये हमारा वाला स्ट्रक्चर है, कि ये हमारा अंटार्कटिका नीचे है, ये इंडियन ओशन है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा कनाडा है, ये हमारा साइबेरिया है, ये हमारा आर्कटिक है, अटलांटिक है। इस इमेज को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अभी इस चीज़ को हम रियल मैप पे समझते हैं, जो लोथिनगिन महोदय ने बोला उस चीज़ को हमने मैप के महोदय इससे मैप के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने क्या माना था, उन्होंने माना था कि एक एपेक्स कहाँ पे है, यूरोप पे है कि नहीं, एक एपेक्स को माना था कि यूरोप पे है, है ना, ये यूरोप पे एक एपेक्स माने। दूसरा एपेक्स कहां माने, साइबेरिया पे गया। तीसरा एपेक्स कहां माने, अटलांटिक पे गया। ऐसे ही तो कुछ माने, और उसके बाद बोले कि जो हमारा ये देखो कनाडा यहां पे है ना, अलास्का कनाडा, तो ये कनाडियन सील्ड यहां पे है, है ना। साइबेरिया आपको यहां दिखेगा, तो साइबेरियन सील्ड हमारा यहां पे है, हमारा अंटार्कटिक सील्ड यहां पे है, और हमारा बाल्टिक सील्ड आप पढ़ोगे आगे चल के, जब मैं प्रादेशिक पढ़ाऊंगा आपको, रीजनल पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से बहुत अच्छे से बताऊंगा। यहां पे हमारा क्या है, बाल्टिक सील्ड है, या यूरोपियन सील्ड भी बोल सकते हैं। इन्होंने इसको क्या माना, मैं पीले से इस पे लिख रहा हूं, ये हमारे सील्ड थे, ये क्या थे, ये यूरोप थे, क्या थे, यूरोप थे, आपको दिखना चाहिए, ये यूरोप था। ये कौन सा सील्ड था, कनाडा सील्ड था। ये कौन सा सील्ड था, साइबेरिया वाला सील्ड था। ये कौन सा सील्ड था, अटलांटिक सील्ड था, ठीक है, अटलांटिक सील्ड था। उसके बाद उन्होंने क्या सेट किया था, उन्होंने सेट किया कि यही नहीं, जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कहाँ गया, ऐसे गया। दूसरा कॉन्टिनेंट कहाँ रखे, यहाँ पे रखे, और तीसरा हमारा आर्कटिक ओशन यहाँ पे रखे। समझ में आ गया। तो उन्होंने गोल ना मान के उन्होंने इसे
टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलकीय है ना, उन्होंने स्ट्रक्चर इसे माना जिसमें चतुष्फलकीय मतलब कि चार फलक हैं और किसके बने हैं, सम त्रिभुज के बने हैं, हमारे इक्विलेटरल एंगल के बने हैं, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान देना मैथ की क्लास में आपसे पूछूंगा, समझ रहे हो, यहाँ पे बताऊंगा मैथ की क्लास में पूछूंगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, ताकि देखो तो आपकी ग्रेविटी कितनी है इस टाइमिंग पे, इतना देर तक आप देखते हो कि नहीं देखते हो, और नहीं बता पाए तो वहीं पर कूटूंगा, ये बात समझ लेना आप लोग को। तो उसका हाँ मतलब अब देखो ये हमारा पूरा आर्कटिक क्वेश्चन है, ये आर्कटिक क्वेश्चन हो गया, जैसे आप इस चीज को देख पा रहे हो, मैं वो इमेज फिल कर दूं, देख पा रहे हो, ये हमारा आर्कटिक क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यूरोप यहाँ पे दिख रहा है, यूरोप की स्थिति बताए, यहाँ पे साइबेरिया बताए, अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट आया, यहाँ पे कॉन्टिनेंट आया भाई, यहाँ पे कॉन्टिनेंट आया अफ्रीका, कौन सा कॉन्टिनेंट आया, अफ्रीका आया कि नहीं आया बोलो, हाँ यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट आया, ये अब ये क्योंकि संपोज करना ये मुड़ा हुआ है तो ये आएगा इस पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे क्या माने, इंडिया माने, इधर क्या माने, साइबेरिया रूस माने, इधर भी साइबेरिया रूस गया, इधर हमारा अमेरिका वगैरह आया, और इधर हमारा क्या आया, साउथ अमेरिका, इधर हमारा क्या आया, नॉर्थ अमेरिका। तो उन्होंने बिठाने की तो बहुत अच्छी कोशिश की, इससे इन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि क्यों, क्योंकि जो दिखा था इन्होंने प्रूफ कर दिया क्यों हमारे जो महासागर हैं वो उल्टे उल्टे हैं, महासागर जो हैं उल्टे त्रिभुज हैं और हमारे महाद्वीप हैं सीधे त्रिभुज हैं, आप देख पा रहे होगे, देख पा रहे होगे, क्योंकि इस बाल्टिक शील्ड से इसका प्रतिपादन हुआ, उन्होंने बोला तो ये त्रिभुज के आकार में फैले, इससे इसका प्रतिपादन हुआ तो ये त्रिभुज के आकार के फैले, इससे इसका प्रतिपादन हुआ तो वो त्रिभुज के आकार के फैले, और यही कारण था कि उन्होंने उस थ्योरी को जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया था उस 6 पॉइंट को अच्छे से कर लिए। तीसरी बात, क्योंकि पीछे वाले फलक पे, अभी इस चीज़ को मोड़ोगे तो पीछे वाले फलक पे क्या जाएगा आपका, पीछे वाले फलक पे आपका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर जाएगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दिया कि प्रशांत महासागर हमारा क्या है, एकदम पीछे है, बात समझ में आ गई, समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारे लोथियन महोदय का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, और उम्मीद है ये आपको समझ में आया भी होगा, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन भूगोलवेत्ता का काम था थ्योरी देना, उनका काम था हाइपोथेसिस देना, उनका काम था चीज़ों को सुलझाना, लेकिन आलोचक कहाँ नहीं होते हैं, आलोचना तो हमारी भी होती है, आलोचना आपकी भी होती है, और आलोचक हमेशा पाए जाते हैं, आलोचक इसलिए नहीं कि आपकी बुराई करते हैं, आलोचक कभी कभी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अगर आलोचक ना होते तो आज जो प्रतिपादित थ्योरी है, आज जो परिकल्पना जो सबसे वैलिड थ्योरी है, ये कैसे होती, कैसे मानी जाती, तो आलोचक जरूरी है, ये बात समझिएगा। इनकी भी आलोचना हुई, इनकी आलोचना क्या हुई समझिएगा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि बोले चतुष्फलक के रूप में है, अब जब बाद में भूगोलवेत्ता है तो बोले भाई साहब मैं मान लिया चतुष्फलक है, मैं मान लिया कि आपकी जो पृथ्वी है वो इस स्ट्रक्चर की है और अपने एपेक्स पे घूम रही है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये लट्टू है क्या, बहुत बार सुनोगे ना पृथ्वी लट्टू है, लट्टू के आकार का, लट्टू के आकार मतलब यही है टेट्राहेड्रल, जो बचपन में सुनते आ रहे थे, कम पढ़े थे लेकिन वो ज्ञान आज आपका रिलेट हो रहा है कि लट्टू वाला आकार क्यों, पृथ्वी को लट्टू क्यों बोला गया, तो वही अपने टिप पे नाच रही है, तो लट्टू भी तो नाचते नाचते एक जगह जाके गिर जाता है, उन्होंने बोला कि ज्यादा समय तक संतुलित नहीं रह सकती है, तो पहले पॉइंट भूगोल वेत्ता उन्होंने ये बोला। अच्छा इसमें भी इतना दम नहीं था, तो कुछ और भी ज्यादा दिमागी लोग हैं, कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला भाई जब पृथ्वी शुरू में इतना तेज घूम रही थी, याद करो जब मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति बताया था तो बताया था कि शुरू में पृथ्वी की जो स्पीड थी बहुत तेज थी, दिन और रात 6-6 घंटे के होते थे, है ना, 6 घंटे में ही दिन रात खत्म हो जाते थे, आज क्या है 24 घंटे में दिन रात खत्म होता है, तो समझ लो कि एक मतलब चौथाई स्पीड उसकी ज्यादा थी, और जब पृथ्वी इतना तेज घूम रही थी तो कोई भी बॉडी इतनी तेज घूमते हुए चतुष्फलक का स्ट्रक्चर ले ही नहीं सकती है, कुछ लोगों ने ये बोला अत्यधिक घूर्णन की गति के कारण गोलाकार पृथ्वी कभी चतुष्फलक का आकार नहीं ले सकती है, और तीसरी बात इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या बता दी, इन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्थिर हैं, और यहीं पर ये सबसे बड़ी गलती कर गए। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमें ये प्रूफ मिलने लगा कि कहीं ना कहीं ये एक थे, जिग्सा फिट है ना, देखे थे कि नहीं देखे थे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका जाके अफ्रीका में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका जाके अफ्रीका में सेट हो जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका आके अफ्रीका में सेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये कभी एक रहे होंगे। उन्होंने आगे चल के लोग बताए कि हमारे महाद्वीप जो हैं वो तैर रहे हैं, महाद्वीप जो प्रतिपादित हो रहे हैं, महाद्वीप जो हमारे हमारे फैल रहे हैं, तो वो जब थ्योरी आने लगी तो ये महोदय
पक्का पक्का गलत हो गए और फिर इन्हें क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन हम भुला नहीं सकते। क्यों नहीं भुला सकते? क्योंकि हमें पीसीएस की तैयारी करनी है। हम ठहरे वो मनुष्य जो बाधाओं में घिसे पिटे हैं। हमारे सपने हैं कि हम SDM बनेंगे, हमारे सपने हैं हम अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी ऐसे नहीं बनेंगे क्योंकि वो परमपिता एग्जामिनर PCS में आपका प्रश्न पूछेगा मेंस में जब जाओगे कि लोथियन ग्रीन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की विवेचना कीजिए। तब आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप विवेचना कैसे करोगे? फिर वहाँ पे भी आपकी क्या हो जाएगी, आलोचना हो जाएगी और आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। तो हम मनुष्य, हमारा कर्तव्य है कि जो महोदय ने कह गए हैं, जो महोदय इतनी मेहनत कर गए हैं, उनका आदर करें, उनको सम्मान दें और पढ़ें और हम अपने पेपर में लिख गए हैं। चलो, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, कहानी पर ख़त्म नहीं होती, थेरी बहुत आई और इनको तो एकदम नहीं भुला सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो बेस रख दिया। क्या बेस रख दिया? कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। कौन बोला सबसे पहले? FB टेलर महोदय बोले। कब बोले? 1908 में बोले। बात समझ में आ रही? एक एक बात पिरो लो, आत्मा में बसा लो, है ना, पी जाओ, घोल के दिमाग में एकदम चढ़ा लो कि ये चीजें जिंदगी में अब नहीं भूलनी है। भूल गए तो समझ लो सब बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं करना है, बसा लेना है अपनी आत्मा में। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने प्रिंसिपल दिया, उद्देश्य दिया। सभी का अपना प्रिंसिपल होता है, कोई चीज आप सोचना शुरू करते हो तो उसका एक आधार होता है कि नहीं, तो इनका भी सोचने का आधार था। इन्होंने बोला कि हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, और मूव करने का आधार क्या बताया? बोले हमारे पृथ्वी है, लेकिन ये पृथ्वी एक तो नहीं है ना, इसका एक चंद्रमा है और दूर बैठा सूरज भी है। और जब चंद्रमा और सूरज का इस पे बल लगा, चंद्रमा और सूरज का बल क्या कहला जाता है? ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स कहा जाता है। इस पे बल लगा तो ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थे, डिफरेंट महाद्वीप थे, इन पे बल लगा और बल के कारण ये फट गए, अलग हो गए, दरार पड़ गई और अल्टीमेटली इनमें डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये मूव कर गए। तो मूव करते करते आज जो स्थिति दिख रही है वैसी कुछ स्थिति हमें दिखी। पहले इन्होंने बोला इनका जो सोचने का समय था। तो प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा कि क्या है? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन इनका प्रिंसिपल है। और इन्होंने ये मान के चला कि सबसे पहले ये स्टार्ट किए तृतीय युग से। मैंने आपको पढ़ाया था, कब की बात है बताओ, कब की बात है? 350 से 400 मिलियन वर्ष पहले की बात है। क्यों? गलत। 65 से 70 मिलियन वर्ष की बात करें, ज़्यादा पीछे कैसे देख सकते हैं, उस समय तो हमारे पास साइंस ही नहीं था। तो ये करीबन 100 मिलियन वर्ष टर्शियरी युग की बात करें, 100 मिलियन ईयर एगो MYA, वहाँ पे इन्होंने सोचना शुरू किया और टर्शियरी युग में बताया कि हमारी जो पृथ्वी थी वो दो भागों में थी। किस भागों में थी? ऊपर जो हमारा था वो क्या था? ऊपर हमारा था लारेंसिया था, अंगारा लैंड, और नीचे हमारा क्या था? गोंडवाना लैंड। इन्होंने माना कि जो हमारी पूरी पृथ्वी थी, ऊपर हमारा क्या था? लैंड मास था, हमारा स्थल था, और उसे उन्होंने क्या बोला? लारेंसिया बोला। ध्यान दीजिएगा, मैं साफ साफ यहाँ पे लिख दूँ, लारेंसिया बोला गया, या हिंदी में क्या बोला गया? अंगारा लैंड बोला गया। क्या बोला गया? अंगारा लैंड बोला गया। और नीचे वाले भाग को क्या बोला गया? गोंडवाना बोला गया, है ना, क्या बोला गया? गोंडवाना बोला गया। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बोला कि इस पे हमारे चंद्रमा ने, इस पे हमारे कौन? चंद्रमा ने, और इस पे वो तपते हुए सूरज ने क्या लगाया? बल लगाया। कौन सा बल लगाया? टाइडल फोर्स लगाया। कौन सा बल लगाया? टाइडल फोर्स लगाया। और इस टाइडल फोर्स के कारण हमारा क्या हुआ? जो ये लैंड मास था वो क्या हो गया? फट गया। इसमें क्या आ गया? दरार आ गया। ऐसे ही गोंडवाना लैंड में क्या आ गया? दरार आ गया। और दरार आ गया तो ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गई? और अलग अलग होने से आज जो रूप है वो रूप हमें दिखाई देता है। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, उस चीज़ को हम अच्छे समझते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मान्यताएं की। मान्यताएं क्या थी? इनकी मान्यताएं ये थी कि चंद्रमा के ज्वारीय बल, जो टाइडल फोर्स है, वो महाद्वीपों के विस्तार को दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से दो तरीके? इन्होंने माना कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक दो कॉन्टिनेंट्स को पहले तोड़ा, उसमें दरार पैदा की, उसके बाद एक तो पश्चिम की ओर खींच,
दूसरा क्या बोले, दूसरा बोले कि वो इक्वेटर की तरफ खींचते हैं। अब इधर भी लैंड मास था, आप समझिएगा ये हमारे क्या है, ये हमारे लैंड मास हैं, इधर भी हमारे लैंड मास हैं। एक बल हमारा किधर लग रहा है, एक बल हमारा पश्चिम की तरफ लग रहा है और एक बल हमारा किधर लग रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ लग रहा है, इक्वेटर की तरफ लग रहा है। इसके कारण से, और ये बल किसके कारण लग रहा है, ये सूर्य और चंद्रमा के कारण लग रहा है। तो इधर इसके कारण जो बल लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो इनको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं तो अलग कर रहे हैं, ये बात आप समझिएगा। तो एक पश्चिम की ओर और दूसरा विषुवत रेखा की ओर ये कर रहे हैं। इनका जो उद्देश्य था मैंने पहले ही बताया कि ये आखिर सोचना क्यों चालू किए, उस बात को समझिए। आखिर टेलर महोदय इतनी मेहनत करे क्यों, टेलर महोदय जो थे वो इतनी महोदय किए क्यों, क्योंकि उन्हें क्या दिख गया, माउंटेन दिख गया। कौन कौन से माउंटेन दिख गए, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहीं सुन लिया माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट दिख गया। और क्योंकि वो बसते थे अमेरिका में, और उन्हें क्या दिख गया, रॉकीज दिख गया और एंडीज दिख गया। रॉकीज और एंडीज पर्वत कहाँ पे है, रॉकीज आपका उत्तरी अमेरिका और एंडीज आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। किस पे है, पश्चिमी तट पे है, कैलिडेरा के नाम से जाना जाता है, कॉलिडेरा जो बोला जाता है। अब देखते हैं, अभी मैं मैप में सब कुछ दिखाऊंगा। इन्हें ये माउंटेन जो थे ये बहुत ज़्यादा परेशान किया, माउंटेन परेशान किया था। इन्हें दिमाग में ये था कि ये माउंटेन हैं क्यों, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बने कैसे, और अगर बने तो इनके पीछे कारण क्या रहे होंगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा बात परेशान इन्हें कर रही थी। तो इन्होंने अपने, क्योंकि भाई अब कोई चीज़ बात उठी है ना और कोई बोल देता है क्या सोचो, तो ईगो पे आ जाता है, और कोई ईगो पे ले लेता है फिर उसे प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर लेता है। तो ये महोदय, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या बोला, यह सारी चीज़ें एक साइड करो, मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कॉन्टिनेंट को मूव करा देता हूँ। और कॉन्टिनेंट को जब मूव कराए तो उन्होंने बोला, इस चीज़ को समझो इमेज से, ये हमारा लारेसिया है, ये हमारा गुंडवाना लैंड है, और इसे जब आगे मूव कराए, आगे मूव कराए तो ये कुछ ऐसा हमारा, यहाँ से देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है, टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, ऐसे आगे चल के यहाँ पे भी खूब सारे खंड होंगे और ये सब हमारे अलग हो ही गए। तो ये मूव करा दिया, और मूव कराने से ये चीज़ें पहले सटी थी, इस वाले इमेज में आप देख पाओ पहले सटी हुई थी, और जब फोर्स के कारण ये टूटी तो ये इधर की तरफ मूव किया और ये इधर की तरफ मूव किया। ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, इधर की तरफ मूव किया, हमारा जो उत्तरी अमेरिका है इधर की तरफ मूव किया, और यूरोप भी हमारा कुछ इधर की तरफ मूव किया, और साइबेरिया हमारा इधर की तरफ मूव किया। तो जो ये मूवमेंट का कारण हुआ, इन्होंने मूवमेंट के कारण बताए कि फोर्स इस पे लगा, क्यों कौन सा फोर्स लगा इन्होंने, भाई नीचे तो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, महाद्वीप अगर करेंगे समुद्र में चलेंगे तो उन पे एक फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस लगेंगे, जिसके रेजिस्टेंस के कारण इनकी जो यहाँ पे, अब आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका रॉकीज और एंडीज स्थित है, रॉकीज और एंडीज पे दबाव पड़ा और ये माउंटेन उठ गए, यहाँ पे मिट्टी उठ गई। ऐसे ही जब ये हमारा अफ्रीका जाके यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे अल्पाइन पर्वत हुए, काकेशस पर्वत यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हमारा हिंदू कुश हुआ, यहाँ पे जब हमारा भारत आया तो यहाँ पे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना, पामीर की गांठ से जो अलग अलग निकलते हैं। तो ये अलग अलग पर्वत का निर्माण इन्होंने बताया कि किसके कारण हुआ, इस विस्थापन के कारण हुआ। कौन बताए, टेलर महोदय बताए। आप देखो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जाके यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हमारा रॉकीज बना, यहाँ पे हमारा एंडीज बना, नॉर्थ अमेरिका पार्ट है ना, ये हमारा रॉकीज बना, ये हमारा एंडीज बना, ये हमारा अल्पाइन पर्वत यहाँ पे सारे बन गए। तो उन्होंने ये तो प्रूफ कर लिया कि ठीक है यार, लोग सेटिस्फाई भी हो गए, और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे प्रूफ भी दिए, प्रूफ तो दिए देंगे ही अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए, कि यहाँ पे चीज़ें एक रही होंगी, एक रहने से अलग हुई तो जाके हमारा दूसरे ब्लड फ्रिक्शन से के कारण, रेजिस्टेंस के कारण हमारे माउंटेन की उत्पत्ति हुए। लेकिन बातों बातों में इन्होंने जो कुछ गलतियाँ कह गए, हाँ कुछ गलतियाँ कह गए, उसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, आलोचना सबकी होती है तो इनकी भी आलोचना होगी। इन्होंने एक बात बहुत खास ये बोल दी थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, जो महाद्वीप हैं, उनका विस्थापन हुआ, और ये बेचारे इस माउंटेन को बनाने के चक्कर में, इसके निर्माण को प्रूफ करने के चक्कर में, माउंटेन को प्रूफ करने के चक्कर में, ये हजारों किलोमीटर
इन कॉन्टिनेंट को मूव करा दिए। सोचो ये यहाँ रहे होंगे तो कितने पास रहे होंगे, ये मूव करके इतने दूर चले गए, तो अभी आप दूरी देखो अफ्रीका से अमेरिका की तो हजारों किलोमीटर दूर है कि नहीं है, तो हजारों किलोमीटर से मूव करा दिए। जबकि बाद में जो भूगोल भेजता है वो कहे भाई आपको इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत थी, अगर आपको एंडीज और रॉकीज बनाना था तो अगर कॉन्टिनेंट 32 किलोमीटर से 35 किलोमीटर भी मूव कर जाता ना, 32-35 किलोमीटर मूव कर जाता तो एक रॉकीज भर का पर्वत बन जाता, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि घर्षण के कारण तो बना है, घर्षण के कारण बना तो वही मिट्टी उठी है, और मिट्टी कितनी उठी, 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा कोई है ही नहीं है पर्वती, तो जितनी मिट्टी उठी उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो 32 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ही अगर मूव कर जाएगा तो हमारा वो पर्वत बन जाएगा। फिर आप हजार किलोमीटर क्यों मूव कराए। दूसरी बात है दूसरे भूगोलविद्ता है, उनने बोला कि आपने बोला कि टाइडल फोर्स के कारण ये कॉन्टिनेंट्स मूव किए, आपने बोला और मैंने मान लिया, लेकिन मुझे कुछ बात हजम नहीं हो रही है। क्या नहीं हजम हो रही है, बोले अगर चंद्रमा का और सूरज का टाइडल बल, ज्वारीय बल इतना ज़्यादा था कि उसने इतने बड़े रूप व्यापक रूप पे महाद्वीप को विस्थापित कर दिया, तो फिर इतने बल के कारण जो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ जो पृथ्वी घूम रही है उसका घूर्णन ही रुक जाना चाहिए। जो लैंड मास को खिसका सकता है, जो कॉन्टिनेंट को खिसका सकता है, वो फिर उसके घूर्णन को क्यों नहीं रोक सकता। तो बोले कि ऐसे तो फिर कुछ ही दिनों में पृथ्वी का घूमना ही बंद होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी तो आज भी घूम रही है। तो इन्होंने बोला कि भाई यार तुम्हारी बात सही है कि कॉन्टिनेंट स्थिर नहीं है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट तो मिला है, लेकिन मैं इस बात से एकदम एग्री नहीं करता हूँ कि जो आपका ये बल है वो आपका क्या है, सूर्य और चंद्रमा है। एग्री किए कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, लेकिन इस बात के लिए एग्री एकदम नहीं किए कि कौन कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आलोचना ऐसा नहीं है कि तुरंत होने लगती है, आज आपने 1908 में थ्योरी दी, बात बढ़ी 1910 11 12 15 16 में गई, वहाँ पे आलोचना हो रही है, 4-5 साल में कौन जान पाता है यार, इतनी बड़ी बात कह गए थे, आप भी क्या क्या दिमाग में ले आते हो, तुरंत आलोचना हो जाती है। तो आलोचना हुई तो इनके सुधार करने के लिए महोदय आए, कौन, वेगनर महोदय आए, और इनका नाम दिमाग में बिठा लेना है। अल्फ्रेड वेगनर नाम के भूगोलवेत्ता जिन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, और इन्होंने उस सिद्धांत का जो उद्देश्य था उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये नहीं प्रूफ करना है कि माउंटेन कैसे बने, वो सब अलग बात है, मैं उस पर दिमाग ही नहीं लगा रहा हूँ। इन्होंने बोला कि पृथ्वी पे जो इतने क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं, इसका क्या कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन का नाम कैसे आया भाई, वहाँ पे कोई सम्मेलन तो हुआ नहीं था, वहाँ पे कॉप सम्मेलन भी नहीं हुआ था, वहाँ पे इतने जागरूक लोग भी नहीं थे, वहाँ पे यूएन का गठन भी नहीं हुआ था, कब की 1912 की बात कर रहे हैं। तो फिर जलवायु परिवर्तन कहाँ से आया, जब आगे खोज हुई, तो मैंने बताया था ना आपको कि क्या हिमयुग आए थे, कब आए थे, टर्शियरी युग में, है ना, क्वार्टरनरी युग में क्या आए, हिमयुग आए, चार युग आए थे ना, गुंज आया था, वर्म आया था, ये हमारे हिमयुग थे। हिमयुग ऐसा था कि एक समय ऐसा था कि पूरे पृथ्वी पे बर्फ की चादर दोनों ध्रुव की तरफ से क्या हो गई थी, फैल गई थी, हजारों किलोमीटर ऊपर तक ये बर्फ पूरी जम गई थी, और इसके निक्षेप आज भी मिलते हैं, इसके एविडेंसेस आज भी मिलते हैं। तो जो ये जलवायु परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ, उन्होंने देखा कि जो हमारा पूरा ग्लोब है कहीं पे अत्यधिक अत्यधिक ठंडक पड़ रही है, कहीं पे अत्यधिक गर्मी पड़ रही है इक्वेटोरियल रीजन पे, क्या ऐसा हमेशा रहा होगा। और उन्हें जब ये बात पता चल गई कि भाई ध्रुव पे तो ठंडक होती है और पोल पे क्या होती है, यहाँ पे ध्रुवियों पे ठंडक होती है और भूमध्य रेखा पे क्या होती है, गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य इसमें परपेंडिकुलर चमकता है, तो अगर यहाँ पे गर्मी होती है तो बाद में ये पता चला कुछ भारत के जैसे क्षेत्र थे, कुछ उत्तरी अमेरिका के जैसे क्षेत्र थे, कुछ अफ्रीका वाले पार्ट के क्षेत्र थे, यहाँ पे उस हिमयुग के एविडेंसेस मिले। उन्हें एक ये बात एकदम दिमाग में चढ़ गई कि हिमयुग यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे कैसे इतने भारी मात्रा में बर्फ जम सकती है जब हमेशा सूर्य
नॉर्मली यहाँ पे चमक रहा होगा जब हमेशा यहाँ पे गर्मी होती रहेगी। तो इस बात को बेस बना के वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने इससे दिमाग में ये लाया कि अगर हिमयुग यहाँ पे हुए तो एक बात तो कन्फर्म है कि इस वाले पार्ट पे, फिर से देखो, इस वाले पार्ट पे हिमयुग तो हुआ। तो इसलिए इन्होंने सोचा, दो चीजें प्रतिपादित किया उन्होंने, दो कॉन्सेप्ट दिया। दो कॉन्सेप्ट कौन सा दिया समझिएगा, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट ये दिया, इससे पहले मैं मिटा दूं, दो कॉन्सेप्ट ये दिया कि या तो पहली बात कि या तो क्लाइमेट जो जोन है वो शिफ्ट हुए हो, यहां पे गर्मी हो रही है तो हो सकता है पहले युग में, कार्बोनिफेरस युग में यहां पे ठंडक हो रही होगी, या यहां पे अगर ठंडक हो रही है तो हो सकता है पहले किन्हीं कारणों से यहां पे क्या हो रही होगी, गर्मी हो रही होगी। यहां पे अगर ठंडक हो रही है तो पहले किसी कारण से क्या हो रही होगी, गर्मी हो रही होगी। यहां पे गर्मी हो रही है तो पहले किसी कारण से क्या रही होगी, ठंडक रही होगी, तभी तो हिमयुग आया होगा यहां पे। दूसरा उन्होंने क्या सोचा, दूसरा उन्होंने यह बोला कि अगर क्लाइमेट नहीं मूव किया होगा, पहला तो क्लाइमेट मूव ही कर जाए, हो सकता है यहाँ पे गर्मी हो, सकता है यहाँ पे ठंडी हो, क्लाइमेट मूव कर रहा है। दूसरा बोले अगर क्लाइमेट नहीं मूव किया तो भाई साहब कॉन्टिनेंट मूव किया होगा, और क्योंकि टेलर महोदय ने पहले ही इशारा कर गए थे तो इन्होंने क्लाइमेट मूवमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट मूवमेंट को नकार दिया। इन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्टिनेंट मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो कॉन्टिनेंट मूवमेंट की इन थेरी, इनकी थेरी और भी अच्छी है, कुछ इन्होंने सुधार किया। हालांकि फोर्स अभी भी इन्होंने टाइडल ही लिया, लेकिन टाइडल फोर्स के साथ इन्होंने कुछ और फोर्स लिया, उस फोर्स की हम चर्चा करेंगे। और इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी बताई, क्या बताई उस चीज़ को समझो। उन्होंने बोला कि जो हमारा मेंटल है वो किसका बना होता है, सीमा का। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, कौन सा मेंटल वाला पार्ट। और जो हमारा क्रस्ट होता है वो कौन किसका बना होता है, सियाल का बना होता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। इन्होंने बोला कि जो सियाल है इसकी जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसका मास कम है, और सीमा जो है ये ठोस है, इसका मास ज़्यादा है। इसका घनत्व कम होने के कारण और सीमा का घनत्व ज़्यादा होने के कारण, प्लस सीमा का तरल अवस्था में होने के कारण और सियाल का ठोस अवस्था में होने के कारण, जिस भांति एक हमारी नाव होती है, एक शिप होती है, एक बोट होती है, समुद्र में तैर रही होती है, उसी भांति जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, जो सियाल है, वो हमारे मैग्मा में, हमारे मेंटल के ऊपर, सीमा के ऊपर, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रेजिस्टेंस के तैर रही है। गौर से सुनिएगा कि जो हमारे सियाल है वो सीमा पे बिना किसी रेजिस्टेंस के, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी प्रतिरोध के तैर रही है, और तैर रही है। इसे तैरने के कारण ही इन कॉन्टिनेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रही है, फ्रीली मूव कर रही है। फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इस कीवर्ड को याद रखना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से तो दिमाग में बात उठेगी, विदाउट एनी रेजिस्टेंस इनके दिमाग में बात उठी, आपके भी दिमाग में उठनी चाहिए। अभी आगे चल के समझाता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या था। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, दूसरी चीज बोला कि डिफरेंशियल ग्रेविटी के कारण, डिफरेंशियल ग्रेविटी के कारण क्या बोले, पहली बात तो इन्होंने बोला, पहली बात क्या बोले कि जो सियाल है वो सीमा पे क्या हो रही है, फ्रीली मूव कर रही है, यानी कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट रेजिस्टेंस मूव कर रही है, ठीक, ये पे लिखते हैं मूव कर रही है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, दूसरा पॉइंट भाई साहब ने बोला कि डिफरेंशियल ग्रेविटी है ना, या ग्रेविटेशनल डिफरेंस, या ऐसे बोले डिफरेंशियल ग्रेविटी, दोनों शब्द एक ही चीज है, डिफरेंशियल ग्रेविटी और बॉयंस फोर्स के कारण, बॉयंस मतलब उत्प्लावन का बल और गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है इन पे विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस चीज को हम बहुत डीप में नहीं समझते हैं, बस आप इतना समझो कि इन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट है। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोला
जब हमारे टेलर महोदय थे तो उन्होंने किस युग से कहानी शुरू की थी? टर्सरी युग से शुरुआत की थी। कब से? 100 मिलियन वर्ष के इर्द गिर्द। लेकिन जब वेगनर महोदय आए तो इन्होंने ये सारी कहानी कब से? कार्बोनिफोरस युग से ही, कार्बोनिफेरस युग से शुरू कर दी। कार्बोनिफेरस खुद किस युग में था? करीबन 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें तो इनसे 100 वर्ष और आगे की बात ये सोचे और बोले तब जो हमारी पृथ्वी थी, हमारे जो कॉन्टिनेंट थे वो किस फॉर्म में थे? पेंजिया के फॉर्म में थे। पेंजिया, सारे लैंडमास इकट्ठा थे और उसे क्या बोले? उससे बोले कि ये क्या था? पेंजिया था, पेन जिया, पेंजिया उसे बोले, पेंजिया था। और बाकी जो वो था हमारा अन्य पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, इसे बोले ये पूरा समुद्र था और इसे क्या बोले उन्होंने? इसे उन्होंने बोला पैंथेलसा, यानी कि हर तरफ पानी पानी, बहुत बड़ा समुद्र, जिसे आज आप पैसिफिक ओशन भी बोलते हो, समझना। अभी मैं आगे से रिलेट करूंगा, पैंथेलसा ही पैसिफिक ओशन है, इस बात को मैं रिलेट करूंगा। तो बाकी चीजों को पैंथेलसा बोले और लैंड मास को क्या बोले? पेंजिया बोले। कौन बोला? हमारे वेगनर महोदय ने बोला। तो इन्होंने बोला, इस चीज को समझते हैं यहां पे। ये आपका पेंजिया है, यहां से समझिए, ये आपका पेंजिया है, कुछ इस स्ट्रक्चर का है। मैं यहां पे बाउंड्री कर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा ब्लैक से। ये आपका कुछ इस शेप का, जैसे पेट में भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उस शेप का ये पेंजिया बोले और पूरे वाले पार्ट को पेंथेलसा बोले। इन्होंने बोला कि डिफरेंशियल ग्रेविटी के कारण और उत्प्लावन बल के कारण, पहला क्या बोले? डिफरेंशियल ग्रेविटी है ना, डिफरेंशियल ग्रेविटी। ये डिफरेंशियल ग्रेविटी शब्द कहां से आया? ये ग्रेविटी में अंतर कहां से आया? ग्रेविटी में अंतर आया क्योंकि कहीं पे मास ज्यादा हुआ, कहीं पे मास कम हुआ, इसकी वजह से बोले कि हर जगह की ग्रेविटी समान नहीं है। तो जहां पे कम ग्रेविटी है, जहां पे ज्यादा ग्रेविटी है, ज्यादा ग्रेविटी वाली चीजें कम ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई। और बॉयंसी फोर्स के कारण, बॉयंसी फोर्स के कारण भी ये क्या हो गए भाई? उत्प्लावन बल लग रहा है ना, उत्प्लावन बल लग रहा है तो चीजों में उछल रहा है, तैर रहा है, कुछ तैर रहा है तो मूव करेगा, मूव करेगा तो ये हमारे कॉन्टिनेंट क्या हो गए? मूव करने लगे। हालांकि आगे आलोचना होगी, फिजिक्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप जान जाओगे कि कभी भी डिफरेंशियल ग्रेविटी और बॉयंसी फोर्स एक साथ नहीं लग सकती, कभी भी एक साथ नहीं लग सकती। लेकिन उसके लिए भी इनके पास कुछ जवाब थे, कुछ लोग बाद में आलोचना किए भी समझाएंगे, उसके लिए भी इन्होंने जवाब तुरंत फटाक से मुंह फटते ही तुरंत ही बोल दिए कि अरे भाई ये पृथ्वी पूरा स्फीयर शेप का थोड़ी है, स्फेरॉइड शेप का है, अंडरगार्ड टाइप में है, ऊपर से चिपटा हुआ है, ऊपर से चिपटा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ लग सकते हैं। और अगर एक साथ लग गए, एक ही केंद्र पे अगर ये फोर्स चला गया तो फिर इनका जो मूवमेंट हो जाएगा वो किधर हो जाएगा? वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। और सपोर्ट में वेगनर महोदय के टेलर ने बोल ही गए थे कि यहां पे टाइडल फोर्स लग रहा है, तो इनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि चंद्रमा और सूरज तो मौजूद है ही, तो इन्होंने टाइडल फोर्स की सहायता से, वो भी वो केवल टाइडल फोर्स बोले थे, ये टाइडल फोर्स तो बोले ही बोले, प्लस डिफरेंशियल ग्रेविटी और बॉयंसी का भी कॉन्सेप्ट लेके चले आए और बोले इसके कारण से हमारा लैंड मास मूव कर गया। पॉइंट हमें ध्यान वाली कब करनी है? कब? कार्बोनी फोरस युग, कार्बोनी फेरस युग में, है ना, कार्बोनी फेरस युग में। कब हुआ ये? करीबन 240 मिलियन ईयर एगो की बात है। तो इस बात को हम अच्छे से समझते हैं और इसे कुछ हम इस माध्यम से समझेंगे कि इनका जो कहानी था, कहने की बात थी, ये आखिर कैसे मूव किया, कैसे चला। तो हम शुरुआत करेंगे 380 मिलियन ईयर एगो, 380 मिलियन ईयर एगो की बात करेंगे हम, और वो युग था डिवोनियन युग था और उस समय कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था। ये मैं पहले, हालांकि वेगनर ने ये नहीं बताया, वेगनर के दिमाग में ये इमेज नहीं थी, वेगनर के दिमाग में जो इमेज थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेगनर के दिमाग में इमेज तो 240 मिलियन की थी और 240 मिलियन ईयर एगो क्या था? इस शेप का था। तो ये शेप आपका कौन सा है? ये शेप आपका पेंजिया है। बात समझ में आ रही? तो यहां से इन्होंने सोचना चालू किया और बोला कि जो फोर्स लग रहा है, एक तरफ टाइडल फोर्स लग रहा है, एक तरफ बॉयंसी उत्प्लावन फोर्स लग रहा है, एक तरफ डिफरेंशियल ग्रेविटी लग रहा है, जिसके कारण से हमारे क्या हो रहे हैं? कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। आप देख पा रहे होगे बहुत आराम से, बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में देखो,
कि सब इकट्ठा है, सब इकट्ठा है, फिर से आप देखना शुरू करो, सब इकट्ठा है, लेकिन फोर्स के कारण जो हमारा यहाँ का पार्ट है, अटलांटिक वाला पार्ट है, वो इधर को मूव कर रहा है, जो हमारा यूरोपियन वाला पार्ट है वो इधर को मूव कर रहा है, जो हमारा अफ्रीकन पार्ट है, ये आप देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, ये अफ्रीकन वाला पार्ट है, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट जो है हमारा कौन सा पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये हमारा सॉरी ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये अंटार्कटिक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे हमारी जन्मभूमि भारत है, बीच में मेडागास्कर है, और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा साइबेरिया जो आज का है, ये वाला पार्ट साइबेरिया है, और यहाँ वाला पार्ट क्या है, यूरोप है, ये टूट के आएगा, ग्रीनलैंड बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हमारा सिचुएशन था। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, अगर आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी, अब अपनी बस निगाह वहाँ पर लगाए रहना और इस चीज़ को अच्छे से समझना कि कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं। तो हमारा अंटार्कटिक पार्ट आप देख रहे होगे, ये जब पेंजिया के फॉर्म में था 220 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं, ये मूव करना शुरू किया, और ये कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ कि से ऊपर की तरफ, आप इक्वेटर की तरफ देख रहे हो, कुछ ये वेस्टवर्ड मूवमेंट है, कुछ इक्वेटर की तरफ मूवमेंट है। ध्यान देना कि टेलर ने भी बोला था कि दो तरफ का मूवमेंट हुआ, किधर किधर हुआ, इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुआ और पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ। इन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुआ, ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन है, तो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुआ और वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर चीज़ें मौजूद थी और ये मूव करके यहाँ पर आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पार्ट है, अफ्रीका वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, अंटार्कटिक पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, भारत पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया पार्ट है। ये जब सारी चीज़ें इकट्ठा हैं और हमने हिमयुग में सीखा कि पोल पे बर्फ जम गई थी, तो सारी बर्फ यहीं पे जम गई थी कि नहीं जम गई थी, जम गई थी ना। तो जब ये मूव करके अपनी अपनी जगह लेंगे भविष्य में जाके, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पे मिलेंगे ही, और इसी को इन्होंने प्रूफ दिया। आगे चल के हम इस बात को समझेंगे। तो ये हमारा मूव कर रहा है, और बस दो मिनट की क्लिप है, इस बात को समझो, और इसके साथ ही हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अंटार्कटिक वाला पार्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ये वाला पार्ट धीरे धीरे इधर का विस्थापन है। आप अगर देख पा रहे होगे तो इसकी जो स्पीड है इसकी तरफ है, आप इस वाले पार्ट को देखो तो ये वाला जो आर्क वाला पार्ट है ये भी आगे। अच्छा, इनके सबके दिमाग में एक चीज़ और था कि आइलैंड को भी इन्हें प्रूफ करना था कि आइलैंड आर्क के शेप में क्यों है और क्यों हमारे ये आइलैंड बने हैं, तो उसका भी अभी कारण बताते हैं। आप ऐसे समझो ये सारे आइलैंड हैं चल रहे हैं। अभी आप देखो कि ये हमारा जो अंटार्कटिक वाला पार्ट है वो नीचे आना शुरू हो गया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट इधर होना शुरू हो गया है, ये हमारा भारत का पार्ट यहाँ से अलग होके और ये इस दिशा में मूव करना शुरू करेगा, हमारे अटलांटिक ओशन यहाँ पे खुलना शुरू हुआ। समझिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले गोंडवाना लैंड, ये नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड हुआ भाई, टूटा। इनके पूरे प्रोसेस में इन्होंने क्या बताया कि पहले पेंजिया था, और पेंजिया में जब 240 मिलियन ईयर एगो कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ, उसके बाद ट्रियासिक युग आते आते क्या हो गया, ट्रियासिक युग आते आते ये हमारा लारेशिया यानी ऊपर वाला पार्ट और गोंडवाना लैंड यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये हमारे दो अलग अलग पार्ट बन गए। नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला पार्ट लारेशिया या अंगारा लैंड बन गया। कब हुआ, ट्रियासिक युग में हुआ। और जैसे ही इसके आगे बढ़े इन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारा गोंडवाना वाला पार्ट अलग होना शुरू हुआ, हमारा जो भारत था है ना, पेनिनसुलर इंडिया था, प्रायद्वीपीय भारत था, उसके अलग होने से और बाकी जो पानी था पैंथलसा वाला पानी इसके यहाँ पे भरने से यहाँ पे इंडियन ओशन का निर्माण हुआ। यहाँ पे जब चीज़ें अंटार्कटिक ओशन नीचे गया, ऑस्ट्रेलिया खुला, तो वहाँ पे रॉस सी, अभी आगे चल के दिखाते हैं रॉस सी कहाँ पे है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बना। यहाँ पे साथ साथ में आप देख पा रहे होगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो हमारा अलग होते चला जा रहा है, किससे, साउथ अमेरिका और यूरोप से, और इसके कारण से जो हमारे पैंथलसा का पानी यहाँ पे आया, इसके वजह से पहले क्या बना, नॉर्थन अटलांटिक ओशन बना, और इसी के मध्य हमारा अफ्रीका और हमारे साउथ अमेरिका के बीच में डिवीजन शुरू हो गया था, यहाँ पे दरार पड़ना शुरू हो गई थी, जिसके कारण हमारा साउथ अटलांटिक ओशन का बनना शुरू हुआ। और साथ में ही आपके, क्योंकि ग्रीनलैंड अलग जा रहा था, साइबेरिया अलग जा रहा था और हमारा यूरोप पार्ट अलग हो रहा था, तो यहाँ पे जो आपके पानी भर रहे थे इस वाले पार्ट में आर्कटिक ओशन बनना शुरू हुआ। उधर आर्कटिक ओशन बन रहा था, इधर हमारा साउथ अटलांटिक
ओशन बन रहा था, इधर हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन बन चुका था। तो और जो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को बोला गया, क्योंकि ये पानी का भराव हो गया, तो इस वक्त को बोला गया ओपन ऑफ द टेथिस सी। टेथिस समुद्र का निर्माण हुआ, तो यही बोला जाता है जिस समय आज हिमालय है उस समय कभी क्या रहा था, टेथिस सागर मौजूद था। तो इस वाले पार्ट को क्या बोला गया, टेथिस सागर बोला गया, ठीक है ना, टेथिस सागर बोला गया। मैं लिख देता हूँ क्या बोला गया, टेथिस सी, है ना, टेथिस सागर बोला गया, टेथिस सागर बोला गया, ठीक। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसा होगा। और कुछ बातें और यहां पे, कुछ बातें और आप नोटिस कर रहे होंगे, कुछ बातें नोटिस करने की जरूरत यह है कि इन्होंने जो बताया कि कैसे हमारे आर्क बने, कैसे हमारे आइलैंड बने, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, उन्हें बताया कि जो इनके कॉन्टिनेंट मूवमेंट था, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की स्पीड बराबर नहीं थी। किसी का मास ज़्यादा था तो वो तेज़ी से भगा, किसी का मास कम था तो वो कम तेज़ी से भगा। जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से भगा। तो इन्होंने उसके प्रूफ में बोला कि भारत, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था, इसका वेग काफ़ी तेज था, जिसके कारण मेडगास्कर पीछे छूट गया और वो आइलैंड का रूप ले लिया। यहाँ पे इसका जो किनारा था उसका स्पीड बराबर नहीं रह पाई और पीछे के पार्ट छूटते चले गए, तो हमारे यहाँ पे फॉकलैंड वगैरह आइलैंड यहाँ पे बन गए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इसका स्पीड बराबर नहीं रह पाई तो नॉर्थ अमेरिका तो आगे भग गया, लेकिन बहुत सारे आइलैंड यहाँ पे बन गए जिन्हें वेस्ट इंडीज़ की बात बोला गया, या मध्य अमेरिका या मेक्सिको की बात बोला गया। ऐसे ही छोटे 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 आइलैंड हमारे कहां बने, यूरोप कहादी में भी बने, और ठीक ऐसे ही यहां पे हमारा जो चाइना का है, है ना, जापान है, क्यूरिल आइलैंड है, फिलिपीन आइलैंड है, वो सब देखो आप, ये बहुत धीरे धीरे से ये जा रहे हैं डिफरेंशियल स्पीड के कारण, तो इन्होंने अपना सपोर्ट ऐसा दिया। ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं वेगनर महोदय। तो इनके जो पॉइंट थे समझ में आ गया होगा कि ये क्या रहा होगा, कार्बोनी फोरस में सारी चीज़ें रही होंगी, ठीक है ना, और महासागर का निर्माण कैसे हुआ। जब आगे चल के इसी चीज़ में आप ये देखिएगा एक पॉइंट, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब ये आगे चल के मिले, जब ये आगे चल के मिले, है ना, आगे चल के मिले, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ से टकराव के कारण कौन सा, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अफ्रीका का यूरोप से टकराने के कारण अल्पाइन माउंटेन का निर्माण हुआ। यहाँ पे कॉरिडेला जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण ये अभी तक अनसुलझा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। हालांकि ये जो हमारे एंडीज हैं, रॉकीज हैं, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके पर्वत के निर्माण के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, इसका थ्योरी तो दे दी लेकिन उन्हें प्रूफ करने की भी जरूरत थी, तो इसके प्रूफ के चक्कर में उन्होंने क्या क्या बात बोली, इस चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर इन्होंने प्रूफ के चक्कर में क्या दिया। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो वैश्विक प्रमाण है उन्होंने क्या दिया, एक तो महाद्वीपीय साम्यता या जिग्स ऑफ फिट, क्या बोलते हैं इसे, जिग्स ऑफ फिट बोलते, जिक्सा फिट है क्या एक्चुअली, महाद्वीपीय साम्यता है क्या। अगर आप देखोगे तो जैसे अभी आज के मैप में देखा गया कि साउथ अमेरिका को लाके अफ्रीका में फिट कर दिया जाए, तो ये वाला पार्ट एकदम एग्जैक्टली आके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली आके मिल जा रहा है। ऐसे इंडिया का ये वाला पार्ट अगर लाके मेडगास्कर को सबको लाके मिलाया जाए तो फिट हो जा रहा है। अफ्रीका के इस वाले पार्ट में अगर नॉर्थ अमेरिका को लाया जाए तो यहाँ पे आराम से फिट हो जा रहा है। तो इसने इन्होंने सबसे पहला क्या दिया, महाद्वीपीय साम्यता जो मिली उसका एविडेंस दिया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा बोला कि तटीय चट्टानों की आयु में समानता, तटीय चट्टानों में आयु की समानता बोले कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे भाई, जब ये एक साथ ही थे, ये एक साथ थे तो इनके जो यहाँ पे चट्टान थे, क्योंकि आप जानते हो कि पर्वत का निर्माण बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो यहाँ पे जो इनके ये पूरा जो बेल्ट था पर्वत वाला, ये वाला जो बेल्ट था, ये वाला जो बेल्ट था, इन सारे बेल्ट में जो चट्टानों की जब हमारी स्टडी हुई तो सभी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिला। देखा गया कि वही चट्टान जो आज साउथ अमेरिका में जाके मिल रहा है, उसी भी चट्टान हमारा अफ्रीका में मिल रहा है, वही चट्टान जो हमारे अफ्रीका के इस वाले बेल्ट में मिल रहा है, वही चट्टान हमारा कहाँ मिल रहा है, भारत के पश्चिमी घाट पर मिल रहा है। तो जो ये सिमिलरिटी मिली, ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ की कि क्या
आए हैं ये पहले एक रहे होंगे। दूसरी बात, और भी कुछ ऐसे फॉसिल्स थे जो हर जगह पाए गए, हर जगह पाए गए। जैसे मेसासरस नाम का एक जानवर होता था, उस समय सबसे बड़ा खूंखार जानवर जो मेसासरस बोला जाता था, वो उसके भी फॉसिल्स पाया वो अफ्रीका में जाता था, लेकिन उसके फॉसिल्स कहाँ मिले, साउथ अफ्रीका में मिले। तो ये भी इस बात का प्रूफ हुआ कि कभी ये सब एक ही जगह रहे होंगे। तो तमाम जो एविडेंस थे वो यहाँ पे हुए। कैलिडोनियन एवं हल्सिनियन युगीन पर्वत श्रेणियों में समानता, तो ये बात हमने डिस्कस कर लिया। जीवाश्म डिस्कस ही कर लिए और मेसासॉरस के डिस्कस ही कर लिए। वनस्पतिक साक्ष्य भी, जैसे ग्लॉसोप्टेरिस एक नाम का हमारी जो वनस्पति थी वो भी अलग अलग स्थलखंड पे मिली है, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ा इसके सपोर्ट में था। दूसरी जो सपोर्ट में था वो कार्बोनिफेरस हिमानी, जो मैंने आपको डिस्कस ही किया कि अगर हिमयुग आया तो हिमयुग के जो संक्षेप थे, हिमयुग के जो एविडेंसेस थे वो अलग अलग जगह क्यों मिले, तो ये हमारी जाके आगे बहुत सारे दिए। इन्होंने विस्थापन के कारक का बल क्या लिया था, उन्होंने लिया था ग्रेविटेशन, उत्प्लावन का और टाइडल का फोर्स। और आलोचना इनकी भी हुई, तो आलोचना क्या होती है हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि टाइडल फोर्स आया, टाइडल फोर्स आया, लेकिन भाई जब टाइडल फोर्स के चक्कर में एक बार टेलर महोदय आलोचना सुन लिए थे तो इन्हें देने की जरूरत थी क्या, नहीं देने की जरूरत थी, जानते थे कि फालतू में मेरी खिंचाई होगी, फिर भी दिए। तो फिर से कमजोर ज्वारीएबल कुछ भूगोल वेत्ता आए, बोले कि अगर आज देखा जाए तो भाई ज्वार भाटा आता है किसके कारण आता है, चंद्रमा के कारण आता है, और वो केवल पानी को थोड़ा सा उठा पाता है। भाई अगर ज्वारीय बल होता तो आज भी तो मौजूद है, आज भी एकदम बहुत तेजी से होना चाहिए, मूव करना चाहिए, कंटेंट मूव करना चाहिए, हालांकि मूव तो कर ही रहा है, ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि इतना कमजोर बल इतना ज्यादा मूव तो कॉन्टिनेंट नहीं करा सकता, जो पानी को इतना ऊपर केवल उठा सकता है वो कॉन्टिनेंट को इतना मूव नहीं करा सकता। हालांकि इसके सपोर्ट में कुछ अलग भूगोल बेता, और इन्होंने भी बोला कि ठीक है माना कि बल हमारा छोटा था लेकिन हमारा समय भी तो ज्यादा था। इन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा ही बल लगाया जाए, बोलते ना थोड़ी थोड़ा परिश्रम करो और खूब देर तक परिश्रम करो तो उसका फल मिलता है। इन्होंने बोला कि बल भले ही छोटा था लेकिन क्योंकि ये करोड़ों साल अरबों साल का समय की बात हो रही है इसलिए उसका महत्व रखता है। तो यहां पे तो अपनी बात प्रूफ कर ले गए। फिर बात आई दूसरे भूगोलविद्या, बोले कमजोर गुरुत्वीय एवं उत्प्लावन बल हुआ, बोले कि ग्रेविटेशन, तुमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और बॉयंसी फोर्स के कारण इसका विस्थापन हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि कॉन्टिनेंट को मूव करा दे। एक बॉल को छोड़ दो तो वो केवल 9.8 के एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिरती है, तो कॉन्टिनेंट इतना तेज कैसे मूव कर जाएगा। बहुत सारे लोगों के न्यूटन महोदय आए तो उनके आधार पर ये लोग उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो बोल दी थी जो इनके लिए, इनके आंखों में खटक गई, इनके लिए बहुत परेशानी पैदा कर दी, क्या, इन्होंने बोला कि सियाल और सीमा पे बिना प्रतिरोध के तैर रहा है, बिना रेजिस्टेंस के तैर रहा है। जबकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारे पर्वत का निर्माण है, पर्वत का निर्माण है कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के कारण, जब ये आपस में जाके टकराए तो इसकी, सपोज करिए कि यहाँ वाला जो कॉन्टिनेंट था यहाँ पे, आप या इससे इमेज से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां वाला जो उन्होंने बोला, बोले कि यहां पे जब आपका जाके टकरा रहा है तो इसकी जो मिट्टी है इस पे रेजिस्टेंस लगा दे रही है, उसका जो मेंटल है, उसका जो सीमा है उस पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लगा रहा है। तो रेजिस्टेंस के कारण उन्होंने क्या बोला, रेजिस्टेंस के कारण बोला कि इसका माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। आप ऐसे समझो कि एक महाद्वीप यहाँ पे है, एक महाद्वीप यहाँ पे है, ये महाद्वीप यहाँ जाके टकराएगा तो इसका जो यहाँ पे मेंटल होगा, यहाँ पे जो सीमा होगा, इसके सीमा पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जिसके कारण से क्या हुआ, उत्पत्ति हुई पर्वतों की। जबकि इन्होंने पहले ही अपने थेसिस में ही एजम्पशन लेके चले थे कि सियाल और सीमा बिना प्रतिरोध के तैर रहा है, तो एक तरफ बोल लो भैया अपने आप को प्रूफ करने के लिए बिना रेजिस्टेंस के तैर रहा है, उसके बाद बोल लो कि माउंटेन का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के कारण हुआ, तो अपनी ही बात को नकार रहे हो, तो दुनिया आपको कैसे सही मानेगी। इस कारण से ये भाई साहब अपनी थ्योरी में फेल हो गए। तो सबसे बड़ा पॉइंट इनका यही था। और दूसरी बात, अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पूर्णतः फिट नहीं किए जा सकते, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि अटलांटिक जो भी है, दो जिग्सा फिट की बात कर लें, यहाँ पे इमेज ले लें,
जिक्सा फिट की इन्होंने बात की, बोले आप तो फिट करा लिए, लेकिन अगर हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक, अगर हमारा अफ्रीका है, मैं मान लिया ठीक है ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा ऊपर की भूपर्पटि तो है। आप बताओ कभी भी समुद्र में गए हो, कभी भी नदी में गए हो, तो जब नदी में उतरना शुरू करते हो तो एक बैग से जैसे नदी में जाते हो तो नीचे से गिर जाते हो क्या? नहीं, नीचे नीचे धीरे धीरे ढाल होती ना, एक स्लोप होती है, एक स्लोप होता है। ये ऐसे स्लोप होता है कि नहीं होता है? ऐसे स्लोप होता है। कोई भी समुद्र होगा या भी कोई भी नदी होगी तो एक स्लोप होगा। तो ऐसे ही यहाँ इसके भी समुद्र था तो इस पे भी एक स्लोप रहा होगा और इसका भी एक स्लोप रहा होगा, तो वो स्लोप आके पहले ही मिल जाएंगे, तो पहले ही मिल जाएंगे, तो ये पूर्णता कभी फिट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इन्हों को इस बेसिस पे भी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि जो भी आलोचक रहे हों, जो भी लोग रहे हों, किससे? एक तो हमारे टेलर महोदय से, सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या बोल दिया, कॉन्टिनेंट को मूव कराया, सभी लोग इनसे बहुत ज़्यादा सीख लिए। उसके बाद हमारे वैगनर महोदय आए जो चीज़ों को किस पे, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज के फॉर्म पे इसे और भी ज़्यादा प्रूफ के साथ प्रूफ करने की कोशिश किए और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को मूव कराए, इसलिए इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन आगे चल के जब बाद में जियोलॉजिस्ट, भूगोलवेत्ता आए और भी जियोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कॉन्टिनेंट तो मूव कर रहा है, सभी ने माना कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है बहुत सारे एविडेंसेस पे, इसको उन्होंने सही माना। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पीछे का जो आप फोर्स दे रहे हो, फोर्स क्या दे रहे हो, टाइडल फोर्स दे रहे हो, इसे नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे समुद्र के नीचे, हमारे समुद्र के नीचे जो प्लेटें हैं, प्लेट विवर्तकनी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, ये प्लेट हैं जो हमारी समुद्री प्लेटें हैं, इसके नीचे कुछ ऐसा बल लग रहा है जो इस प्लेट को इधर की तरफ ढकेल रहा है, इस प्लेट को इधर की तरफ ढकेल रहा है, और यहाँ पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे मिट्टियाँ कम हो रही हैं, गल रही हैं। तो इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताया कि समुद्र का जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। समुद्र के क्रस्ट फैलेंगे तो उनपे ऊपर जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो भी दूर दूर होंगे, तो जो रीजन था वो क्या बोले, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत ही उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से आप इसे पढ़िए भी, तैयार भी करिए, टॉपिक भी पढ़िए। मैं इसके नोट्स भी आपको हाल फिलहाल तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसे एक बार पढ़ लो, क्लासेस को एक बार अच्छे से देख लो, इमेजिनेशन अपने दिमाग में बिठा लो, एनिमेशन अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। आगे चल के बहुत ही मदद करने वाला है, किसमें, वल्कनाइजेशन में, यानी कि आपका वोल्केनो में और आपके अर्थक्वेक में, भूकंप में बहुत ही मदद करने वाला है। कौन सी दो थ्योरी, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तकनी थ्योरी और हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र में तल जो विस्थापन है, इसका जो दो थ्योरी है, जो मेन वैलिड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अब से तैयारी बहुत अच्छे से कर दीजिए, बहुत मन लगा के पढ़िए, पूरा दम लगा दीजिए, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठ के पढ़िए। टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, आप टीम के साथ मेहनत करो, आप अपने लिए मेहनत करो, आप अधिकारी बनो, बस यही मनोकामना है। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।